आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अभी व्यस्त है। हेलो। ओके ओके ओके। हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीडीसी यूट्यूब चैनल। और आज हम डिस्कस करेंगे हमारा महामैराथन सीरीज का जो पार्ट नंबर 99, जिसमें हम फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। और जो हमारे टॉपिक्स हैं बेसिकली, इसमें इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी, एक्सरे डिफ्रैक्शन, ठीक है, फ्लोरीमेट्री रहेगा हमारा, और कुछ हमारे इलेक्ट्रोएनालिटिकल मेथड्स के भी क्वेश्चन रहने वाले हैं, और फ्लैम फोटोमेट्री। इन सभी टॉपिक्स के हम क्वेश्चन को डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले मुझे ये कंफर्म कर दें, वॉइस एंड पिक्चर एकदम क्लियर आ रहा है, कोई इशू तो नहीं है? बताएं, मेरा वॉइस पिक्चर क्लियर है? ओके, बताएं। सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर, जीपेट डिस्कशन सेंटर। और हम आज सॉल्व करने वाले हैं हमारे फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के क्वेश्चंस, जो क्वेश्चंस रिलेटेड हैं हमारे टॉपिक्स से, हमारा ईएसआर, एक्सरे, एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी, फ्लैम फोटोमेट्री, फ्लोरीमेट्री, इनके क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। साथ में कुछ हमारे इलेक्ट्रो एनालिटिकल मेथड्स के भी क्वेश्चन हैं। ओके, तो कंफर्म करें मेरी वॉइस पिक्चर क्लियर है? सभी लोग ज्वाइन कर लें, सभी के लिए गुड इवनिंग। और सबसे पहले कंफर्म करें मेरी वॉइस इन पिक्चर क्लियर है, कोई इशू तो नहीं आ रहा वॉइस पिक्चर में? बताइए, वॉइस पिक्चर एकदम परफेक्ट है? ओके, ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बेटा आज का क्वेश्चंस देखते हैं हम। सबसे पहले बात करेंगे हमारा जो ये टेस्ट का शेड्यूल है, इस शेड्यूल को आपको प्रॉपर फॉलो करना है। ये हमारा 10 मार्च जो है, आज हम ईएसआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, एक्सरे, फ्लोरीमेट्री, एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी, फ्लैम फोटोमेट्री और इलेक्ट्रोमेट्रिक जो इलेक्ट्रोएनालिटिकल मेथड्स होते हैं उनके क्वेश्चंस को हम देखेंगे, कैसे सॉल्व करना है, क्वेश्चंस के ऑप्शंस को डिस्कस करेंगे पूरापन, और तरीका सीखेंगे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। आपका कल जो है 11 मार्च को आपका फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस का जो है वो सेक्शन रहेगा, तो उसको आप लोग अटेंड करें प्रॉपरली और फिर क्वेश्चंस को डिस्कस किया जाएगा। तो ये शेड्यूल हमारा चल रहा है। पहला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, ये हमारा जीपेट 2019 का क्वेश्चन है। या चूज द करेक्ट सीक्वेंस फॉर प्रोसेसिंग ड्यूरिंग एटोमाइजेशन इन एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी जो होती है, इसमें बेसिकली ये मेटल एनालिसिस के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है, ये मेटल एनालिसिस के लिए हम इसमें यूज करते हैं। हैलो कैथोड लैंप हमारा इसमें रेडिएशन का सोर्स होता है, ठीक है। इसमें ये सीक्वेंस होते हैं इसके प्रोसेस के, तो इनमें से आपको करेक्ट बताना है, तो आप बताइए करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, इसका करेक्ट ऑप्शन बताएं। क्या आंसर है इसका बेटा? बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन दे रहे हैं। निबुलाइजेशन सबसे पहले होता है, स्मॉल ड्रॉपलेट्स होता है, फिर डिसॉल्वेशन, देन वोलेटाइलेशन, देन डिसोसिएशन एंड देन आयोनाइजेशन। अपना बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है, बी ऑप्शन अपना परफेक्ट है एकदम, ठीक है। जो बी ऑप्शन है वो अपना एकदम करेक्ट है इसका, ठीक है। सबसे पहले निबुलाइजेशन होता है, आपने निबुलाइजर मशीन देखी होगी, घर में भी रहती है, अपन जब एल्वोलाई एब्जॉर्प्शन के लिए यूज करते हैं, तो स्मॉल ड्रॉपलेट्स फॉर्म में उसको पहले कन्वर्ट किया जाता है।
स्मॉल ड्रॉपलेट्स फॉर्म में बनता है, फिर डिसॉल्वेशन होता है उसका, ठीक है, फिर वोलेटाइजेशन हो जाता है, डिसोसिएशन होगा आपका, और आयोनाइजेशन। तो ये हमारा बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। तो ये एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी है जो हमारा, ये ध्यान रखना है। इसमें देखो यहाँ पर ये सीक्वेंस बना हुआ है पूरा प्रॉपर। इसमें देखो कोई भी हमारा सैंपल रहेगा सॉल्यूशन फॉर्म में रहेगा, सबसे पहले उसका निबलाइजेशन किया जाएगा, वो स्प्रे होगा, स्मॉल ड्रॉपलेट्स फॉर्म में आ जाएगा, डिसॉल्वेशन हो जाएगा, उसका सॉल्वेंट यहाँ से रिमूव कर दिया जाएगा, तो वो आपका ड्राई हो जाएगा, ड्राई फॉर्म में आ जाएगा, फिर फाइनली उसका वोलेटाइजेशन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर फ्री एटम्स अपना वेपर फॉर्म में रहेगा और उसका फिर फाइनली आयोनाइजेशन किया जाएगा, आयनिक स्पीसीज और मॉलिकुलर स्पीसीज को सेपरेट कर लिया जाएगा। बेसिकली ये जो मेथड होती है हमारा मेटल एनालिसिस के लिए यूज करते हैं, कोई भी मेटल का एनालिसिस अगर करना है तो एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी को यूज करते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी के स्टेप्स आपसे पूछे जा सकते हैं, जैसा कि इस क्वेश्चन में आपने देखा ये स्टेप्स आपसे पूछे जा सकते हैं, ओके, इसको ध्यान रखेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है ये आपका जो जीपेट मंत्रा बुक है हमारा, उसमें ये प्रॉपर दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अमंग विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट और इलेक्ट्रो एनालिटिकल मेथड्स आर करेक्ट। हमारी इलेक्ट्रो एनालिटिकल मेथड्स है भाई, हम इलेक्ट्रो एनालिटिकल मेथड्स का मतलब होता है कि हम इसमें वोल्टेज या करंट का यूज करने लगे, हम किसका वोल्टेज का यूज करते हैं या करंट का वेरिएशन देखते हैं, ये वेरिएशन देखते हैं। मतलब हमारा जो नॉर्मल टाइटेशन था उसमें अपना इंडिकेटर होता था, इंडिकेटर की जगह किसने ले लिए, या तो वोल्टेज के चेंज ने ले लिए, करंट के चेंज ने ले लिए, तो वो हमारा इलेक्ट्रो एनालिटिकल मेथड्स होती हैं। तो उस इलेक्ट्रो एनालिटिकल मेथड्स के लिए आपको करेक्ट बताना है, ठीक है, इसको क्या बताना है, आपको करेक्ट बताना है, इलेक्ट्रो एनालिटिकल मेथड्स के लिए आपको करेक्ट बताना है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, इलेक्ट्रो एनालिटिकल मेथड्स के लिए आपको करेक्ट। तो सबसे पहले बात करते हैं मेजरमेंट ऑफ कंडक्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड विथ एसी पावर्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, ये हमारा पहला ऑप्शन है। पोलरोग्राफी इन्वॉल्व द प्लॉटिंग ऑफ कंडक्टेंस वर्सेस वोल्टेज, ये कंडक्टेंस वर्सेस वोल्टेज का जो कर्व बनता है वो कंडक्टोमेट्री में बनता है, किसमें बनता है, हमारी कंडक्टोमेट्री में। तो ये ऑप्शन गलत है आपका। पोटेंशियोमेट्री में एप्लीकेशन जो होता है हमारा नर्स इक्वेशन का होता है, ठीक है, कौन से इक्वेशन का होता है, नर्स इक्वेशन का होता है, तो ये वाला ऑप्शन भी गलत है। एक्वियोक इक्वेशन हमारा पोलरोग्राफी में यूज किया जाता है, तो ये सी भी अपना रॉन्ग हो गया। यहाँ पे लिखा है कोलोमेट्री में फैराडे लॉ यूज होता है, इसमें हम क्वांटिटी ऑफ चार्ज को मेजर करते हैं, कूलम्ब में मेजर करते हैं इसको, तो यहाँ पे फैराडे ला, यहाँ पे नर्स ला लिखा हुआ है, तो ये भी गलत है। तो अल्टीमेटली हमारा ए ऑप्शन ही करेक्ट होगा, इसका क्या होगा, इसका ए ऑप्शन, ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है, ए ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा बेटा अपना। तो ये इजी है, इसको ध्यान रखना, कई बार हम कंफ्यूज जाते हैं इन चीजों से, जैसे ये कोलोमेट्री लिखा हुआ है, इसको ध्यान से सुनना आप, कोलोमेट्री अगर लिखा है तो कूलम्ब से वर्ड बना हुआ है, अगर कैलोरीमेट्री लिखा है तो कलर से बना हुआ है, ठीक है, और मान लो अगर लिखा हुआ है आपका कैलोरीमीटर, कैलोरीमेट्री सी ए कैलोरी से बना है, वो आपका थर्मल मेथड में आता है, तो इसमें कंफ्यूजन हो जाता है, कैलोरीमीट्री ये कैलोरीमेट्री है, ठीक है, ये आपकी कैलोरीमेट्री है, ठीक है, ये स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है हमारी, और अभी जो अपन ने पढ़ा वो कोलोमेट्री है, कोलोमेट्रिक टाइटेशन है, तो उसमें कूलम्ब है हमारा, तो ये समझ के रखना है। जैसे आपका कंडक्टोमेट्री, जितनी भी इलेक्ट्रोएनालिटिकल मेथड्स हैं, अगर लास्ट में मेट्री लगा है तो उनका एक्स एक्सिस पे वॉल्यूम ऑफ टाइटेंट रहेगा ही, और कंडक्टेंस वर्सेस वॉल्यूम रहेगा। पोलरोग्राफी बस में हमारा करंट वर्सेस वोल्टेज का कर्व होता है, पोटेंशियोमेट्री में पोटेंशियल वर्सेस वॉल्यूम ऑफ टाइटेंट होता है, एम्पीरोमेट्री में करंट वर्सेस वॉल्यूम ऑफ टाइटेंट होता है। तो ये कर्व कई बार एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं इन मेथड्स के, तो इनको आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, ओके, करंट वर्सेस वोल्टेज पोलरोग्राफी में होता है, ओके, ये ध्यान रखोगे आप लोग। जितनी मैट्री लगी है ना, ये मैट्री लगाना, मैं आपसे पहले भी कह रहा था, जो हमारा नॉर्मल टाइटेशन होता था, हमारा नॉर्मल जो टाइटेशन था, कोई भी टाइटेशन, उसमें हम क्या करते थे, ए और बी का रिएक्शन कराते थे, टाइट्रेट और टाइट्रेंट का, और हम लोग एंड पॉइंट के लिए किस पर डिपेंडेंट थे, इंडिकेटर पर डिपेंडेंट थे। अब यहाँ पे बात अपनी बदल चुकी है, यहाँ पे जो भी चेंज होगा, करंट में मैक्सिमम चेंज होगा या वोल्टेज में जो मैक्सिमम चेंज होगा, वो जो मैक्सिमम चेंज होता है, वही मैक्सिमम चेंज हमारे लिए क्या काम कर गया, इंडिकेटर के फॉर्म में काम कर गया, मतलब हम डिजिटलाइज हो गए। यहाँ हम कलर देखते थे, यहाँ पे हमको डिजिटल से सीधा रीडिंग दिखेगी कि भाई यहाँ पे बहुत ज्यादा वोल्टेज चेंज हो रहा है, मतलब यही रिएक्शन का एंड पॉइंट है, अब आपको और ज्यादा उसमें टाइट्रेंट को ऐड नहीं करना है, बस इतना सा अंतर है इसमें, ठीक है, ये ध्यान रखोगे आप लोग प्रॉपर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, केमिकल इंटरफेरेंस आर कॉमन देन,
ठीक है, स्पेक्ट्रल इंफ्रेंस ड्यू टू, ये जीपेट 2017 का क्वेश्चन है, इसका आंसर दीजिए आप लोग। जो केमिकल इंटरफेरेंस होती है आर मोर कॉमन, ठीक है, देन स्पेक्ट्रल इंटरफेरेंस, इसका रीजन बताना है आपको, क्या होगा इसका रीजन, जल्दी से आंसर दें, इसका रीजन क्या होना चाहिए भाई। आंसर दें इसका क्या रीजन होगा, फॉर्मेशन ऑफ द कंपाउंड ऑफ लो वोलेटिलिटी, ठीक है, वोलेटिलिटी ये वाला भी हो सकता है, बी ऑप्शन में अपना दिया हुआ है, आयोनाइजेशन ऑफ फ्लेम, क्या होगा करेक्ट आंसर। क्या होना चाहिए भाई इसका करेक्ट आंसर, थर्ड का ए, थर्ड का ए जो है हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन है, ए ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट ऑप्शन है, इसको आपको ध्यान रखना है, थर्ड का ए, ए अपना ऑप्शन एकदम करेक्ट होगा, थर्ड का ए एकदम करेक्ट ऑप्शन रहेगा। ओके, कल आपका एग्जाम है तो भाई जो है एग्जाम तो देखो आपके होते रहते हैं, पढ़ाई अपन को करना होती है, एग्जाम तो आना ही है, एक ना एक दिन आपको एग्जाम देने तो जरूर जाना है, कब तक बचोगे, तो कभी भी अगर देखो पढ़ाई करते हो तो कभी डर के पढ़ाई मत करो, एग्जाम तो होगा ही, ये कहीं नहीं जाने वाला, एग्जाम जरूर होगा, उसकी चिंता नहीं करना चाहिए आपको, बस आपको एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करना है, मैटर ये करता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे इंटरफेरेंस जो है हमारा दो टाइप का होता है, एक अपना यहाँ पर होता है बेटा केमिकल और एक अपना स्पेक्ट्रल, मोर कॉमन देन स्पेक्ट्रल इंटरफेरेंस होता है, फॉर्मेशन ऑफ अ कंपाउंड विथ लो वोलेटिलिटी, ये हमारा एडिटिव टू रिमूव सच कंपाउंड ईडीडीए, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, नॉट वेरी कॉमन ड्यू टू द नैरो लाइन ऑफ बिट्स, ठीक है, इट अकर्स सिलेक्टेड डिफरेंट ट्रांजिशन, स्कैटरिंग भी हो जाता है, फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड हो जाता है, तो ये अपना लेस कॉमन होता है, केमिकल इंटरफेरेंस मोर कॉमन होता है, ये अच्छे से याद रखना है आपको, ठीक है, केमिकल इंटरफेरेंस मोर कॉमन होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, यहाँ पर हम ये जीपेट का क्वेश्चन है भाई, प्लोरोग्राफी करंट मस्ट बी ब्लॉक्ड, हम प्लोरोग्राफी करने निकले हैं, प्लोरोग्राफी की अगर हम बात करें तो सबसे पहले प्लोरोग्राफी को समझ के चलना अच्छे से, पोलेरोग्राफी वो मेथड होती है जो इसमें हम करंट वर्सेस वोल्टेज का कर्व बनाते हैं, करंट वर्सेस हमारा वोल्टेज रहेगा उसका कर्व होता है, इस पोलेरोग्राफी में हम अपना डिफ्यूजन करंट को मेजर करते हैं, उसके लिए इक्वेशन हमारा एक वो इक्वेशन यूज करते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना है हमको। इसमें क्वेश्चन में ये नहीं पूछा कि आप किसको मेजर करते, ये पूछा है किसको ब्लॉक करना सबसे जरूरी होता है, रेसिडुअल करंट, ऐसा हमारा ग्राफ बनता है इसमें आपका, इस तरीके से आपका ये ग्राफ रहता है, ये लिमिटिंग करंट होती है बेटा, ये रेसिडुअल करंट होती है, ये डिफ्यूजन करंट होती है, तो ये तो हमारे रहते हैं पोलोरोग्राफी में, मेनली हम डिफ्यूजन करंट को मेजर करते हैं, तो माइग्रेशन करंट बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, इसको टोटल ब्लॉक करना है हमको, माइग्रेशन करंट को अपन को टोटल ब्लॉक करना है, ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट होगा, ठीक है, माइग्रेशन करंट को हम टोटल ब्लॉक कर देते हैं, रेसिडुअल करंट जो होती है स्मॉल फ्रेडिक करंट होती है, कंडेंसर करंट होती है, ये आपकी डबल लेयर जो बन जाती है उसके कारण आती है, और जो हमारी ये फेराडिक करंट्स होती है ये बेसिकली इम्प्रोटीज से होती है, और जो इलेक्ट्रिकल डबल लेयर्स बन जाती है उसके कारण हमारी कंडेंसर करंट आती है, ये आपका जो नीचे का लाइन है, माइग्रेशन करंट जो होता है हमारे माइग्रेशन होते हैं कटायंस और एनायंस का अपोजिट साइड में जो इलेक्ट्रोड रहता है उसकी ओर, तो माइग्रेशन करंट को रिड्यूस करना सबसे मस्ट होता है, ठीक है, डिफ्यूजन करंट हमारा मेन टारगेट है, इसको हम मेजर करते हैं, ठीक है, जो इलेक्ट्रो रिड्यूसेबल आयंस होते हैं जो डिपॉजिट होंगे आपके, ठीक है, आपका जो होगा रिडक्शन कैथोड पर होता है वहां पर डिपोजिशन होगा इनका, तो ये जरूरी होता है, लिमिटिंग करंट जो होता है एक पॉइंट के बाद कितना भी हम वोल्टेज करते रहें लेकिन हमारा करंट नहीं बढ़ेगा, तो वो जो चीज कहलाती है वो लिमिटिंग करंट कहलाती है, जैसे अपन सैचुरेशन काइनेटिक्स बोलते हैं ना, अपन काइनेटिक्स में पढ़ते होंगे आप लोग सैचुरेशन काइनेटिक्स, तो वैसे ही है ये कहानी लिमिटिंग करंट की, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद यहाँ पर विच टाइप ऑफ फोटोन डिटेक्टर इज कॉमनली माइक्रो फैब्रिकेटेड इनटू अराय ऑफ 500 और मोर इंडिविजुअल डिटेक्टर्स, मतलब एक में चेन टाइप का रहता है, बहुत सारे इंडिकेटर्स का फ्यूज्ड फॉर्म रहता है, तो उसको क्या बोलेंगे अपन, इसका क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर दीजिए, इसको क्या बोला जाएगा,
फाइव का क्या बोलेंगे? देखो फोटो सेल है हमारा, ये सिंगल है आपका भाई, फोटो सेल है हमारा, ये फोटो ट्यूब है, ये सब हमारे यूवी विजिबल में है, पीएमटी हमारा ये सिंगल है, ये फोटो और डायोड है, ये पूरा सीक्वेंस में कनेक्ट रहते हैं इस तरीके से, ये सीक्वेंस में कनेक्ट रहते हैं इसमें, तो यही अपन से पूछा गया है, तो इसका आंसर क्या होगा? फोटो डायोड अपना एकदम करेंट आंसर। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, आप ले सकते हैं स्क्रीनशॉट, मैं साइड में ही हूं, आप आराम से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन इसका डी एकदम करेक्ट होगा बेटा, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ठीक है, इसका ऑप्शन डी ही करेक्ट होगा, सीक्वेंस में है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। देखो यहाँ पर फोटो डायोड्स होता है जो डिजाइंड होते हैं, डायरेक्ट फोटॉन्स कैन यूज इन द सर्किट टू सी सेंस लाइट। ठीक है, फोटो डायोड जो होता है इज अ लीनियर अराय ऑफ फोटो डायोड्स इन अ इंटीग्रेटेड सर्किट, ये पूरी चिप बनी होती है, आपने देखा होगा कई बार अपने इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट में देखते हैं तो लगातार बहुत सारे डायोड उसमें कनेक्ट रहते हैं, तो वही कहलाता है ये हमारा। ठीक है, इसका बेटा सी ऑप्शन नहीं होगा, आपका डी ही ऑप्शन होगा, इसको डी ही ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये फोटो ट्यूब, फोटो सेल, फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब हमारे सिंगल्स होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही मतलब देखेगा कोई अगर क्वेश्चन को ना तो कहेगा बहुत टफ क्वेश्चन आ गया है सर, इसमें तो आइंस वगैरह लिख दिए हैं, हम कैसे कंप्लीट करें, हमें तो एनालिसिस टफ लगता है, एनालिसिस में तो हमें लगता भी ऐसा है कि बच्चों को एनालिसिस में टफ लगता है, जबकि एनालिसिस में बहुत इजी है। देखो एनालिसिस में आर या पार होता है सीधा, या तो आपका क्वेश्चन बनेगा या तो बहुत सरल क्वेश्चन आ जाते हैं, कई बार अगर बहुत टफ क्वेश्चन आता है तो बहुत सारे बच्चों को कोई दिक्कत नहीं क्योंकि वो किसी पे नहीं बनने वाला, तो भाई एनालिसिस का जो जनरल है ना उसको अच्छे से पढ़ के रखना होता है। तो जैसे ये क्वेश्चन है आपका, इन्होंने पूछा है पोलोग्राफिक मेथड्स ऑफ एनालिसिस टू ऑब्टेन इंडिविजुअल अमाउंट ऑफ कॉपर प्लस टू एंड कैडियम प्लस टू इन अ गिवन मिक्सचर ऑफ द आयंस यू प्लस टू एंड कैडियम प्लस टू एच अचीव बाय द मेजरिंग देयर। तो इसका आंसर अपन को बताना, तो क्या होगा जब हम जो बच्चा नहीं पढ़ता होगा उसको ये आयंस देखेंगे ना तो उसका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा, सोचेगा यार आयंस आ गए अब हम कहां से आंसर दे दें। तो भाई अपन को कुछ नहीं पूछा उन्होंने, इतना सा पूछा है मेरे भाई कि पोलोग्राफी में तुम मेजर क्या करते हो, भाई हम पोलोग्राफी में डिफ्यूजन करंट को मेजर करते हैं, बस बात वहीं पर खत्म है। तो इसमें डिफ्यूजन करंट को मेजर करना है, अपना डी आंसर एकदम करेक्ट हो जाएगा, समझ रहे हो, डिफ्यूजन करंट ही मेजर करते हैं इसमें। हाफ वेव पोटेंशियल आपका पोटेंशियोमेट्री में चलता है, माइग्रेशन करंट को तो तुमको ब्लॉक करना है आपको, ठीक है, तो माइग्रेशन करंट को तो हमको ब्लॉक करना है भाई, तो ये तो होगा ही नहीं हमारा किसी भी ऑप्शन में, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगला जो क्वेश्चन आएगा यहाँ पर ये पूरा मैं डिफ्यूजन करंट बता चुका हूँ, अब आता है पोलोग्राफी, व्हेन द लिमिटिंग करंट इज अचीव वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस टेक प्लेस चूज दैट, जब लिमिटिंग करंट पर हम पहुंच जाते हैं तब कौन सी प्रोसेस होती है ये आपको बताना है। द रेट ऑफ द इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर जस्ट मैच द रेट ऑफ द मास ट्रांसफर, ठीक है, ये पहला ऑप्शन है हमारा, ठीक है, यहाँ पर दूसरा है द रेट ऑफ द इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इज स्लोअर देन द रेट ऑफ मास ट्रांसफर, द रेट ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर बिकम्स इंडिपेंडेंट ऑफ द रेट ऑफ मास ट्रांसफर, रेट ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, ठीक है, आर एक्सीड द रेट ऑफ द मास ट्रांसफर, क्या आंसर होगा उसका? क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है हमारा, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या होगा? 7 का आंसर डी होगा, ठीक है, द रेट ऑफ द इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर एक्सीड द रेट ऑफ द मास ट्रांसफर, ठीक है, तो तभी हम लिमिटिंग करंट को रीच कर जाते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, आपका इसका आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट होगा, इसका डी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट रहेगा। ठीक है, द लिमिटिंग करंट आल्सो कॉल्ड द, यहां पर लिमिटिंग करंट आल्सो कॉल्ड डिफ्यूजन करंट, व्हेन मेजर आइदर द मैक्सिमम करंट फ्रॉम द एवरेज करंट इन पोलोग्राफी, व्हेन द लिमिटिंग करंट इज अचीव द रेट ऑफ द इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर एक्सीड द रेट ऑफ मास ट्रांसफर, ये सीधा बुक में लिखा हुआ है, उसी से ये क्वेश्चन आपका आया हुआ था, तो इसको आप ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर जो है हमारा, इसका आंसर क्या होगा? सीधा सीधा अब आता है क्वेश्चन नंबर 8 बेटा अपना, यहाँ पर है पोटेंशियल मेजरमेंट इन्वॉल्व द फैक्टर लाइक एल्कलाइन एरर एसिमेट्री पोटेंशियल आर एसोसिएटेड विद व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोड, कोई इलेक्ट्रोड का ये एरर दिया गया है एल्कलाइन एरर, बात यहाँ आके रुक रही है केवल कि एल्कलाइन एरर जो होता है कौन से इलेक्ट्रोड में होता है हमारे पोटेंशियोमेट्री में, बस इतना सा आपका क्वेश्चन है, इतनी बड़ी लैंग्वेज जरूर है, क्वेश्चन बहुत छोटा सा है आपका। ठीक है, मतलब उन्होंने ये पूछा है एल्कलाइन एरर किस में होता है भाई, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, क्विनिन डोनर इलेक्ट्रोड हो गया, सैचुरेटेड कैलोमर इलेक्ट्रोड है या ग्लास इलेक्ट्रोड है, तो अल्कलाइन एरर जो रिपोर्टेड है अपना वो किस में होता है, अपने ग्लास इलेक्ट्रोड में रिपोर्टेड होता है, तो अच्छे से याद कर लेना ग्लास इलेक्ट्रोड अल्कलाइन एरर, इस चीज को अच्छे से ध्यान रखोगे आप लोग, ग्लास इलेक्ट्रोड में क्या होता है अल्कलाइन एरर होता है। ठीक है, तो जैसे ये ग्लास इलेक्ट्रोड होता है
इसमें एक बल्ब के जैसा रहता है, ठीक है, इसमें बहुत थिन आपका बल्ब रहता है, उसी बल्ब के जैसा ही बना होता है। इसमें हमारा क्या रहता है, बेसिकली केमिकली रेजिस्टेंट टू ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूसिंग एजेंट, डिसॉल्व गैसेस एंड कोलाइड्स एंड साल्ट, ये इसके एडवांटेज है। डिसएडवांटेज क्या होता है भाई, बल्ब है अपना तो फ्रेगाइल तो होगा ही, ठीक है, और इसमें बेसिक सॉल्यूशन रहता है, ग्लास इलेक्ट्रोड रिस्पॉन्ड टू द कंसंट्रेशन ऑफ नॉट ओनली हाइड्रोजन आयन बट आल्सो एल्कली मेटल आयन, स्मॉल एसिमेट्रिक पोटेंशियल अपीयर्स हो सकता है, इसमें अपना एल्कलाइन एरर भी हो जाता है। तो इसमें आंसर क्या होगा हमारा एकदम से, जो अपना इसका आंसर डी होगा, ठीक है, डी होगा बेटा इसका आंसर, जो ग्लास इलेक्ट्रोड होता है उसका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोलेरोग्राफी में डीएमई हैज अ नंबर ऑफ एडवांटेज, वन ऑफ द एडवांटेज दैट मरकरी हैज लार्ज हाइड्रोजन ओवर पोटेंशियल, इट मींस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, ये आपको आंसर देना है। इसका आंसर आप बताइए क्या होगा, हाइड्रोजन आयंस गेट इजीली रिड्यूस ऑन द डीएमई, हाइड्रोजन गैस इजीली रिड्यूस ऑन द डीएमई, ठीक है, ये हाइड्रोजन गैस है, यहाँ पे आयंस है, हाइड्रोजन आयंस रिक्वायर हाई पोटेंशियल टू बी रिड्यूस एज डी ड्रॉपिंग मरकरी इलेक्ट्रोड, व्हाट आर इट डिफिकल्ट टू गेट ऑक्सीडाइज एज ड्रॉपिंग मरकरी इलेक्ट्रोड, क्या आंसर होगा इसका। ग्लास वैसे भी फ्रेगाइल होता है, आप सही बोल रहे हैं, ग्लास तो अपना फ्रेगाइल ही होता है, ठीक है, और एल्कलाइन एरर हो सकता है उसमें, बिल्कुल सही बोला आपने, ठीक है, तो यहां से आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये इसका आंसर क्या होगा हमारा, सी ऑप्शन एकदम सर है, हाइड्रोजन आयन रिक्वायर हाई पोटेंशियल टू बी रिड्यूस एज ड्रॉपिंग मरकरी इलेक्ट्रोड, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पर एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी एनालिसिस ऑफ एन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड डिटरमाइंड इट्स, क्या डिटरमाइन करता है, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी करने वाले हम तो ऑप्टिकली एक्टिव कोई कंपाउंड है तो उसका क्या डिटरमाइन करेगा। देखो ऑप्टिकली रोटरेटरी के हमारे पास पोलेरीमेट्री है, उसके लिए क्या है हमारे पास पोलेरीमेट्री है, तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं, ठीक है। रिलेटिव कॉन्फिगरेशन ऑप्टिकल प्योरिटी, ठीक है, ऑप्टिकल प्योरिटी भी हम इसी से निकाल सकते हैं हमारे पोलेरीमेट्री से, तो इसमें या तो रिलेटिव कॉन्फिगरेशन आएगा आपका या एब्सोल्यूट कॉन्फिगरेशन आएगा, दो में से कोई ऑप्शन रहेगा, एब्सोल्यूट या रिलेटिव, क्या होना चाहिए इसका आंसर बताइए। इसमें अगर आप एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी करते हैं किसी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड का तो उसका वो एब्सोल्यूट कॉन्फिगरेशन निकालता है, हमें किसी से कंपैरिजन नहीं करना, रिलेटिव का मतलब होता है कंपैरिजन करोगे आप। अब जब आप एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी ही करने वाले हो तो एब्सोल्यूट ही निकल के आएगा, रिलेटिव थोड़ी ना आएगा, तो इसका आंसर सीधा सीधा क्या होगा आपका एब्सोल्यूट कॉन्फिगरेशन, ठीक है, एब्सोल्यूट कॉन्फिगरेशन हमारा फाइंड आउट किया जाता है, ठीक है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी में हमारा ब्रेग इक्वेशन होता है, ये क्वेश्चन तो आप लोग आंसर देना, विच करंट मेजर इन द पोलेरोग्राफी, हमारे पोलेरोग्राफी में हम कौन सा करंट मेजर करते हैं, पोलेरोग्राफी में आप कौन सा करंट मेजर करते हो बताइए जल्दी से, पोलेरोग्राफी में आप कौन सा करंट मेजर करते हो, इसका आंसर दें भाई, पोलेरोग्राफी में आप कौन सा करंट मेजर करते हो, आंसर दीजिए, पोलेरोग्राफी में आप कौन सा वाला करंट मेजर करते हो, पोलेरोग्राफी में कौन सा करंट मेजर करते हो भाई, कौन सा करंट, बोलोगे सर हम तो करंट वर्सेस वोल्टेज का कर्व बनाते हैं, हम इसमें इक्वेक इक्वेशन को यूज करते हैं, इसमें हमारा क्या होता है ड्रॉपिंग मरकरी इलेक्ट्रोड रहता है, ठीक है, ये सब चीजें आप बताओगे, लेकिन मेजर कौन सी करंट करते हो भाई, इसमें अपन डिफ्यूजन करंट को मेजर करते हैं, मेनली डिफ्यूजन करंट, जो डिफ्यूजन करंट होता है उसी पर पूरा हमारा पोलेरोग्राफी रनिंग करता है, ठीक है, ये करंट बार बार भाई आता है तो इसको अपने दिमाग कर लो बिल्कुल। रेसिडुअल करंट फेराडिक करंट होता है इम्प्रोटीज के कारण, फेराडिक करंट होता है इम्प्रोटीज के कारण, और हमारा ग्राफी क्या बात कर रहे हो यार, पोलेरोग्राफी में कौन सा इलेक्ट्रोड यूज होता है इसका आंसर देना है, पोलेरोग्राफी में हमारा कौन सा इलेक्ट्रोड यूज होता है इसका आंसर आपको देना है, बताएं क्या आंसर होगा, पोलेरोग्राफी में कौन सा हमारा इलेक्ट्रोड यूज होता है इसका आंसर देना है, पोलेरोग्राफी में कौन सा इलेक्ट्रोड यूज होता है, कोई इशू आ रहा है क्या टेक्निकल बताइए, कोई इशू आ रहा है टेक्निकल इशू है क्या, कुछ प्रॉपर नहीं है क्या, वॉइस पिक्चर क्लियर नहीं आ रहा है क्या, टेक्निकल इशू आ रहा है क्या, कोई कंफर्म करें, नेटवर्क इशू हो रहा है, ओके अभी हो जाएगा करेक्ट, वेट कर लें दो मिनट के लिए,
ओके, बिल्कुल भी क्लियर नहीं है क्या? कुछ मेरा तो क्लियर है भाई, यहां पर अभी मैं देख रहा हूं। नेटवर्क, नेटवर्क परेशान कर रहा है। 2 मिनट वेट करो, नेटवर्क भी सही होगा। नेटवर्क भी क्या है, प्रेशर में आ चुका है एनालिसिस को देख के कि यार एनालिसिस है, टफ लगता है। तो नेटवर्क भी क्या कर रहा है, परेशान हो रहा है। ठीक है, नेटवर्क भी आपका क्या हो रहा है, परेशान कर रहा है। आप वेट करिए 2 मिनट। ओके, अब क्लियर हो गया होगा बेटा। अभी तो सही है। अब क्लियर है बताइए, अभी भी कोई दिक्कत है? अब तो एकदम क्लियर हो चुका है। ओके, इसका देखो, अगर पोलेरोग्राफी के आपसे कोई इलेक्ट्रोड पूछता है ना, तो वो अपन से रेफरेंस पूछ रहा है, वो सभी पूछ रहा है। तो देखो, मरकरी ड्रॉप इलेक्ट्रोड तो हमारा यूज होता ही है, ड्रॉपिंग मरकरी, स्टैटिक भी होता है, हैंगिंग भी होता है, ये सभी टाइप है हमारे ड्रॉपिंग मरकरी इलेक्ट्रोड के। तो अल्टीमेटली हमारा आंसर क्या रहेगा, इसका डी आंसर होगा। सभी टाइप के इलेक्ट्रोड हम इसमें यूज करते हैं। ठीक है, सभी टाइप के इलेक्ट्रोड हम लोग इसमें यूज करेंगे। अब क्लियर हो गया है बेटा, मैंने देख लिया, अब तो चेक भी कर लिया, अब क्लियर हो गया होगा। पर्टिकुलर टाइम के लिए हो जाता है कई बार नेटवर्क इशू, बाकी अब क्लियर है, अब कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसका आंसर डी होगा, नो डाउट, डी आंसर अपना करेक्ट होगा। ये देखो, सभी टाइप के हमारे इलेक्ट्रोड हैं ड्रॉपिंग। ये हैंगिंग मरकरी ड्रॉप है, वो हमारा ड्रॉपिंग मरकरी इलेक्ट्रोड है, स्टैटिक मरकरी ड्रॉप इलेक्ट्रोड है, तो ये उसके टाइप होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ग्राफ इन पोलरोग्राफी। पोलरोग्राफी का ग्राफ किस किस के बीच होता है बताइए? पोलरोग्राफी का जो ग्राफ हमारा बनता है, वो किस किस के बीच ड्रॉ होता है? तो मैं आपको बार बार बता चुका हूं, इसमें बेटा हमारा करंट वर्सेस क्या होता है, वोल्टेज होता है ये। और करंट कौन सा होता है हमारा, डिफ्यूजन करंट होता है। ठीक है, अगर आप बात करोगे करंट वर्सेस वॉल्यूम की, बात करोगे वॉल्यूम ऑफ टाइटन की, तो एम्पीयरोमेट्री में होता है। तो आप वोल्टेज वर्सेस अगर वॉल्यूम की बात करते हो तो पोटेंशियोमेट्री में है। कंडक्टेंस वर्सेस वॉल्यूम की बात करते हो अगर, तो कंडक्टोमेट्री में है वो। ठीक है, कंडक्टोमेट्री में है वो आपका। तो सीधा सीधा ये ध्यान रखना है अपन को, इसमें हमारा आंसर क्या रहेगा, इन ग्राफ इन द पोलरोग्राफी। पोलरोग्राफी में जो ग्राफ बनेगा आपका, वो कौन सा होगा, हमारा करंट वर्सेस वोल्टेज का कर्व हमारा इसमें बनता है। करंट वर्सेस वोल्टेज का कर्व होता है। ठीक है, कौन सा कर्व होता है, करंट वर्सेस वोल्टेज का कर्व रहता है। किसका रहता है, करंट वर्सेस वोल्टेज का कर्व होता है। ठीक है, ये बहुत इजी क्वेश्चन है जो सभी पे बनना चाहिए भाई, ये बहुत जरूरी है। ये कर्व का ही तो क्वेश्चन आना है आपको, उसी को तो आपको ध्यान रखना है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, ये पोलेरोग्राम कहलाता है। ये हमारा देखो करंट वर्सेस अप्लाइड वोल्टेज का कर्व, ये रेसिडुअल करंट होती है, वो लिमिटिंग करंट होती है। ठीक है, अब आता है ड्रॉपिंग मरकरी इलेक्ट्रोड एक्ट एज अ, ड्रॉपिंग मरकरी इलेक्ट्रोड कैसे काम करता है। मेनली देखो, वैसे वो एनोड और कैथोड दोनों के जैसे काम कर सकता है, लेकिन आपको दो में से कोई एक चूज करना है, एनोड या कैथोड। तो क्या आंसर लगाओगे, ड्रॉपिंग मरकरी इलेक्ट्रोड कैसे काम करता है? ड्रॉपिंग मरकरी इलेक्ट्रोड जो होता है कैसे काम करता है, एक्ट एज, ये अपन से पूछा गया है। ड्रॉपिंग मरकरी इलेक्ट्रोड एक्ट एज, ये बताना है आपको। ठीक है, ड्रॉपिंग मरकरी एक्ट एज अ कैथोड, कैथोड के जैसा काम करता है। ये कैसे काम करता है आपका, कैथोड के जैसा काम करता है। कैसे काम करेगा, कैथोड के जैसा काम करता है। कैथोड हमारा मरकरी पूल का रहता है, बिल्कुल सही बोला आपने। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर देखो, ड्रॉपिंग मरकरी इलेक्ट्रोड जो होता है, वर्किंग इलेक्ट्रोड अरेंजमेंट इन द पोलरोग्राफी, मरकरी कंटिन्यूअस ड्रॉप फ्रॉम अ रिजर्वायर थ्रू द कैपिलरी ट्यूब, ठीक है, इन टू द सॉल्यूशन, द ऑप्टिमम इंटरवल बिटवीन द ड्रॉप टाइम जो होता है कितना रहता है, 1 to 5 सेकेंड होता है। ड्रॉपिंग मरकरी इलेक्ट्रोड हमारा पोलराइजेबल इलेक्ट्रोड होता है। ये कैसे काम करता है, कैथोड के जैसा काम करता है। इसको अपन इंडिकेटर इलेक्ट्रोड भी बोल सकते हैं इसको, और माइक्रो इलेक्ट्रोड भी हम इसको बोल देते हैं। इंडिकेटर इलेक्ट्रोड भी बोल सकते हो आप, माइक्रो इलेक्ट्रोड भी इसको आप बोल सकते हो। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। सीधा सीधा है ये अपना क्या होता है, कैट कैट है हमारा, ड्रॉपिंग है। ठीक है, याद कर लो अच्छे से, इसी को इंडिकेटर बोलोगे, यही पोलराइजेबल होता है हमारा। ठीक है,
ये क्लियर क्लियर आपको याद रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज करेक्ट रिगार्डिंग द रेसिड्यूअल करंट। भाई रेसिड्यूअल करंट के बारे में अपन से पूछा है, तो रेसिड्यूअल करंट इज इक्वल टू होता है हमारा फ्रैडिक करंट प्लस कंडेंसर करंट, ऐसा हमको देखना है, कहीं मिल रहा है क्या ऐसा। रेसिड्यूअल करंट इज इक्वल टू द माइग्रेशन करंट, माइग्रेशन करंट का तो यह काम ही नहीं है, डिफ्यूजन का कोई सम होता नहीं है इसमें। रेसिड्यूअल करंट इज इक्वल टू द डिफ्यूजन करंट एंड फैराडे करंट, ये भी गलत है, ठीक है। रेसिड्यूअल करंट इज द फैराडे करंट एंड काइनेटिक करंट, ये भी अपना गलत है। सीधा सीधा ए ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट है हमारा, फैराडे करंट प्लस कंडेंसर करंट, ठीक है। ये फैराडे करंट प्लस हमारा क्या होता है, कंडेंसर करंट होता है, अच्छे से याद रखना। हाँ, मरकरी पूल जो रहेगा वो कैनोड का काम कर जाएगा, जो हमारी ड्रॉप आती है वो कैथोड का काम करती है, ठीक है, ये अच्छे से याद रखोगे आप। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन है, ठीक है। रेसिडुअल करंट में आपको बार बार समझा चुका हूं, याद रखना है इसको अच्छे से। अब आता है मरकरी ड्रॉप है विच चार्ज, आपकी जो मरकरी ड्रॉप होती है उस पर कौन सा चार्ज होता है। भाई मरकरी की ड्रॉप होती है उस पर कौन सा चार्ज होता है, अभी अपन ने बात की थी जो मरकरी की ड्रॉप होती है वो कैसा काम करती है, वो कैथोड का जैसा काम करती है, तो वही तो क्वेश्चन है। अब आपसे चार्ज पूछ लिया है भाई कि मरकरी ड्रॉप पर चार्ज कौन सा होता है, ये आपसे पूछ लिया मरकरी ड्रॉप पे कौन सा चार्ज होता है, बताइए जल्दी से। पॉजिटिव चार्ज होता है मरकरी ड्रॉप पे कि नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है, ये आपको बताना है कि उस पे भाई न्यूट्रल चार्ज होता है, ये आपको बताना है। बताएं इस क्वेश्चन का आंसर, 16 नंबर का क्वेश्चन है, इसका आंसर बेटा अपना बी होगा, वही कैथोड मतलब नेगेटिव चार्ज है, एनोड मतलब पॉजिटिव है, ठीक है। तो ये सीधा सीधा सा इसका आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर ये है अगला क्वेश्चन आपका, नेफ्लोमेट्री में इंटेंसिटी ऑफ द स्कैटर्ड लाइट यूजुअली मेजर्ड एट द विच एंगल ऑफ द इंसिडेंट रे। जो हमारी इंसिडेंट रे आती है और जो स्कैटर्ड रे रहती है, हम कौन सी स्कैटर्ड रे को मेजर करते हैं, किस एंगल वाली, ठीक है। नेफ्लोमेट्री और जो टर्बिडोमेट्री रहती है, इनका हमारा प्रिंसिपल स्कैटरिंग होता है, और अंतर इतना सा है कि हम किस एंगल से मेजर करते हैं। जो हमारी स्कैटर्ड रे है वो किस एंगल से जब रिफ्लेक्ट होती है, जो स्कैटर्ड होती है उनको हम मेजर करते हैं, बताइए जल्दी से। जो आपकी 90 डिग्री से होती है, जो 90 डिग्री से होती है उन्हीं को अपन क्या करते हैं, मेजर करते हैं। और जो 180 डिग्री से होती है वो हमारा टर्बिडोमेट्री में करते हैं, कहाँ करते हैं, टर्बिडोमेट्री में। 180 से कहाँ करते हैं, टर्बिडोमेट्री में, ठीक है। और 90 डिग्री से कहाँ से करते हैं, हम अपने किसमें करते हैं, 90 डिग्री वाला नेफ्लोमेट्री में करते हैं, ठीक है। टर्बिडोमेट्री में 180 और नेफ्लोमेट्री में क्या होता है हमारा 90, ये अच्छे से याद रखना। इन दोनों का प्रिंसिपल क्या होता है, स्कैटरिंग ऑफ रेडिएशन होता है। देखो ये हमारा दिख रहा है भाई, ये जैसे आपको दिख रहा है, जो भी हमारी स्कैटर्ड रे ये 90 के एंगल पर रहेगी, हम उसी को मेजर करेंगे, हम 90 वाले को ही मेजर करेंगे, ठीक है, हम 90 वाले को ही मेजर करेंगे। अगर टर्बिडोमेट्री में पूछेगा तो 180, वो पूछा गया, आ ही गया क्वेश्चन। टर्बिडोमेट्री इज द इंटेंसिटी ऑफ द ट्रांसमिटेड लाइट यूजुअली मेजर इट बैच एंगल, किस एंगल से मेजर करते हैं, तो इसमें हम क्या करते हैं भाई, 180 डिग्री से मेजर करते हैं, ठीक है। जो 180 डिग्री पे आती है हम उसी को मेजर करते हैं, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, इस क्वेश्चन का आंसर, देखो बेटा महाराष्ट्र ड्रग इंस्पेक्टर की वैकेंसी कब तक आएगी, अभी आपका रिसेंट में महाराष्ट्र में वैकेंसी बहुत सारी आई हुई है, ठीक है, तो ड्रग इंस्पेक्टर की भी वैकेंसी आएगी, आप तैयारी करते रहें। ड्रग इंस्पेक्टर की जो वैकेंसी होती है उसका फिक्स नहीं होता है, वो आपका आएगा आपको रहेगा, तो पहले से तैयारी करना पड़ती है, ठीक है। जो जीपैट वाले बच्चे होते हैं, जो जीपैट की तैयारी करते हैं, नाइपर की तैयारी करते हैं ना, उन लोग के लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी होता है, क्योंकि देखो आप समझ सकते हो कि फार्मा का सिलेबस बहुत कम नहीं होता, बहुत ज्यादा सिलेबस है, टफ सिलेबस है, हर बंदा उसको पढ़ नहीं सकता। जिसने मान लो बी फॉर्म अच्छे से नहीं किया ना, वो फार्मेसी का सोच भी नहीं सकता, उसको लगेगा हम तैयारी नहीं कर पाएंगे, समझ रहे। तो जो बच्चा, इसलिए तो कहते हैं भाई कि ग्रेजुएशन में अगर आप बी फॉर्म कर रहे हो तो बी फॉर्म के दौरान कम से कम अपने ग्रेजुएशन की तो पढ़ाई अच्छे से कर लो, तो वो आपको आगे काम आएगा, ठीक है। तो ये बी फॉर्म में आपको, ठीक है, हाँ, नेफ्लोमेट्री में लो कंसंट्रेशन करते हैं, हाई कंसंट्रेशन टर्बिडोमेट्री में करते हैं, बिल्कुल सही बोला बेटा आपने, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अगला, ये यहाँ पर है हमारा, टर्बिडोमेट्री सिमिलर टू, भाई टर्बिडोमेट्री किसके जैसा है, बताइए टर्बिडोमेट्री किसके जैसा है। अब ये क्वेश्चन हमसे भाई पूछ लिया किसी ने, ऐसा होता तो नहीं है, लेकिन अब क्वेश्चन पूछा है तो आंसर तो हमको देना पड़ेगा।
देखो अगर आपको ईएसआईसी फार्मासिस्ट की तैयारी करना है बेटा, तो हमारे इसमें स्टोर में आप जाओगे जीडीसी क्लासेस एप्लीकेशन में, उसमें आप कोर्सेज में जाओगे तो ऑल इंडिया फार्मासिस्ट हमारा बैच चल रहा है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। उसमें हमारी पूरी रेगुलर क्लासेस चलती हैं। तो आपको अगर देखो तैयारी करना है तो क्लासेस पहले से ज्वाइन करो। अब जब वेकेंसी आती है तो हमें समय मिलता है मान लो 60 डेज का, तो समय बहुत कम होता है। उतने कम समय में वैसे ही हम अंडर प्रेशर में आ जाते हैं और प्रॉपर तैयारी नहीं कर पाते हैं। ठीक है, हम प्रॉपर तैयारी नहीं कर पाते हैं तो समस्या क्या होती है कि हम क्या करते हैं, हम एट ए टाइम सोचते हैं। नहीं, अगर आप सोच रहे हो भाई आपका प्रीफॉर्म कंप्लीट हो चुका है और आप सोच रहे हो कि नहीं मेरे को फार्मा का जॉब चाहिए गवर्नमेंट सेक्टर में, तो आप तैयारी पहले से स्टार्ट कर दो। ठीक है, तैयारी आप पहले से स्टार्ट करो, अपने लेवल पर आप पढ़ाई करते रहें। ठीक है, आगे जब वैकेंसी आएगी तो उसका पूरा फायदा मिलेगा आपको। ठीक है, यहाँ पर तो इसमें टर्बिडीमेट्री है भाई, कलर वाली बातें चल रही हैं, तो कलरीमेट्री हमारा आंसर होगा। क्या होगा अपना आंसर बेटा, कलरीमेट्री। क्या दिया आप लोगों ने आंसर, देखो मैं आपकी जगह अगर वहां अभी पढ़ रहा होता तो मैं कमेंट में जरूर डालता कि सर ये विजिबल तो लिखा है, विजिबल ही तो कलरीमेट्री है, तो भैया यहाँ पे यूबी भी तो लिखा है, तो ये यूबी विजिबल चल रहा है, ये अकेला विजिबल है। तो हमारा आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट होगा। ठीक है, बी ऑप्शन जो है ना आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ द इक्वोक इक्वेशन। इक्वोक इक्वेशन का करेक्ट एक्सप्रेशन बताना है आपको, बताइए इक्वोक इक्वेशन किस मेथड का होता है। वही हमारे कौन से मेथड का होता है, हमारा ये पोलरोग्राफी का है। कॉलोमेट्री में हमारा क्या होता है, कॉलोमेट्री में हमारा क्या होता है, हमारा बेसिकली वहां पे आपका फ्राडे लॉ रहता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे अपन से इक्वोक इक्वेशन पूछा है कि किस मेथड से रिलेटेड होता है, तो पोलरोग्राफी से होता है। कौन किसको मेजर करता है, हमारे आईडी को। आईडी मतलब भाई आइडेंटिटी कार्ड नहीं है, आईडी मतलब डिफ्यूजन करंट को मेजर करता है। अब डिफ्यूजन करंट को ये मेजर करता है, आंसर कौन सा होगा इसका सही बताइए। देखो झारखंड के लिए भी तैयारी करना है, कोई भी अपने इंडिया लेवल पे कोई भी स्टेट का जो फार्मासिस्ट एग्जाम है या ड्रग इंस्पेक्टर का एग्जाम है, अगर आप उसकी तैयारी करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, आपको कोर्सेस मिल जाएंगे। एप्लीकेशन के कोर्सेस में आप जाओगे तो वहां पे ऑल इंडिया फार्मासिस्ट बैच हमारा रनिंग है, आपका ऑल इंडिया ड्रग इंस्पेक्टर का बैच रनिंग है। ठीक है, तो ये बैच हमारे करंट में रेगुलरली चल रहे हैं, बहुत से बच्चे ज्वाइन भी किए हैं, क्योंकि भाई जब वेकेंसी आएगी उस टाइम पर आप करोगे तो भाई उतना समय नहीं मिल पाता है, आराम से बेसिक्स क्लियर करके सभी कुछ पढ़ाया जा रहा है। तो यहाँ का आंसर बी है, तो बी बिल्कुल अपना सही आंसर है बेटा। आप ऐसा मैं नहीं लिखता है कि क्वेश्चन को, मैं तो ऐसे लिखता हूँ, आप लोग भी ऐसे याद कर लेना। आईडी इज इक्वल टू 607NC। ठीक है, और यहाँ पर DMT, यहाँ पे 121 लिख लो, यहाँ पे लिख लो 236, तो ये क्वेश्चन हो जाता है। डी पे देखो कितने का पावर है भाई, 1/2 का डिफ्यूजन कोएफिशिएंट पे। एम पे कितने का पावर है, 2/3 का, और अपने ड्रॉप टाइम पे कितना है, 1/6 का। तो 121 डिवाइडेड बाय 236, तो ऐसे आपको याद रहेगा। ठीक है, तो हमारा बी ऑप्शन एकदम इसमें करेक्ट हो जाएगा, अपना बी ऑप्शन जो है बिल्कुल परफेक्टली करेक्ट है, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग जाते हैं। ये क्विक इक्वेशन होता है डिफ्यूजन करंट को मेजर करता है। ये क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ इंडिकेटर इलेक्ट्रोड इन पोटेंशियोमेट्रिक टाइटेशन। पूरा है पोटेंशियोमेट्रिक टाइटेशन, पोटेंशियोमेट्रिक टाइटेशन अपन करने वाले हैं, उसमें इंडिकेटर इलेक्ट्रोड का नाम आपको बताना है। ठीक है, ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है भाई, ये तो रेफरेंस होता है, सैचुरेटेड कॉलोमल रेफरेंस होता है, सिल्वर सिल्वर क्लोराइड हमारा रेफरेंस होता है, तो बचा क्या हमारा, क्विनोन हाइड्रोन इलेक्ट्रोड, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि बाकी के जो हैं DSSB फार्मासिस्ट के लिए, बेटा DSSB फार्मासिस्ट का तो बैच ही रनिंग चल रहा है। DSSB जो फार्मासिस्ट है उसका बैच आपका रनिंग है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं कोर्सेज में जाके, और हमारा यूट्यूब पर उसके रेगुलर क्या है, क्वेश्चंस का डिस्कशन भी चल रहा है, ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स को भी डिस्कस कराया जा रहा है आपको, तो वो वहां से कर सकते हो आप। आपको फार्मास्यूटिकल एनालिसिस बहुत टफ लगता है बेटा, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस सबको टफ लगता है, क्योंकि सब सोच लेते हैं कि ये टफ सब्जेक्ट है। हम ये कहते हैं आपसे कि कभी फार्मास्यूटिकल एनालिसिस जिस दिन पढ़ने बैठ जाओ तो भाई उसका मैप बनाना, पहले मैप समझते हो, आउटलाइन बनाना कि हमारे कितने मेथड्स होते हैं, उन मेथड्स का प्रिंसिपल याद कर लेना, उनके कर्व्स याद कर लो, उनके एप्लीकेशन याद कर लो। तो मैंने आपका इसी पर लाइव सेशन है हमारा
जनरल फार्मास्यूटिकल एनालिसिस का हमारे यूट्यूब चैनल जीडीसी क्लासेस डाला हुआ है, वहां पे जाके आप देखेंगे मैंने पूरा तरीका बताया है कि एनालिसिस को कैसे पढ़ा जाता है। ठीक है, आपका लाइव सेशन है, लगभग 6 to 8 month पहले का है, उसमें आप जाके देखेंगे हमने पूरा एनालिसिस को समराइज किया है। जिसको टफ लगता है ना बेटा एनालिसिस, आप एक काम करें, वो स्टार्टिंग के मेरे 4 lectures हैं जो यहीं पर यूट्यूब चैनल पर डले हुए हैं, आप उनको अटेंड कर लो। जिनको एनालिसिस से डर लगता है वो उनको अटेंड कर ले, फिर आपका डर ना दूर हो तो मुझे बताना, डर आपका दूर होगा, 101% आपका डर दूर हो जाएगा। लेकिन हम क्या करते हैं, जल्दबाजी में पढ़ाइया करते हैं, तो इसलिए हमको टफ लगता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अभी इलेक्ट्रोड का क्लासिफिकेशन मैं आपको बता देता हूं पूरा। यहाँ पर देखो, इलेक्ट्रोड होते हैं हमारे बेटा रेफरेंस इलेक्ट्रोड जो है हमारा, यही हमारा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, सैचुरेटेड कैलोमर है, सिल्वर सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड है। ये अच्छे से याद कर लेना, ये आता है एग्जाम में। फिर हमारा इंडिकेटर इलेक्ट्रोड में हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड आता है, हमारा मेटल इलेक्ट्रोड है आपका क्विनिन हाइड्रोन इलेक्ट्रोड होता है, ग्लास मेम्ब्रेन इलेक्ट्रोड होता है, ये हमारे इंडिकेटर इलेक्ट्रोड है। ये क्या है, इंडिकेटर है, ये हमारे रेफरेंस इलेक्ट्रोड है, कई बार एग्जाम में आता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, ये इंडिकेटर और ये हमारे रेफरेंस इलेक्ट्रोड होते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। D SSSB की क्लासेस इवनिंग में रहती है बेटा, मॉर्निंग में भी रहती है, दोनों टाइम रहती है क्लासेस। ठीक है, तो D SSSB की इवनिंग में भी क्लास होती है और हमारी मॉर्निंग में भी क्लास होती है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आ गया, रिपीटेड क्वेश्चन है, पोलरोग्राफी में कर्व किस किस के बीच ड्रॉ होता है, हमें बहुत अच्छे से पता है भाई, करंट वर्सेस वोल्टेज के बीच ड्रॉ होता है। करंट वर्सेस एब्जॉर्बेंस का कर्व इस दुनिया में नहीं होता है किसी मेथड में, करंट वर्सेस कंसंट्रेशन का कर्व भी हम नहीं बोल सकते हैं बेसिकली, करंट वर्सेस इलेक्ट्रोलाइट का भी कर्व नहीं होता, ये कोई कर्व है नहीं, हमारे नॉन थ्योरेटिकल कर्व दिए गए हैं पूरे ऑप्शंस में। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, एकदम से ए ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी आपके वीक थे इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो ये करंट है, इनको पढ़ो मत, देखो जिसके लास्ट में मैट्री लगा है बेटा उसमें वॉल्यूम ऑफ टाइटेंट तो रहेगा ही, वॉल्यूम ऑफ टाइटेंट, कंडक्टेंस वर्सेस वॉल्यूम ऑफ टाइटेंट, पोटेंशियोमेट्री पोटेंशियल वर्सेस वॉल्यूम ऑफ टाइटेंट, ठीक है, पोलरोग्राफी करंट वर्सेस वोल्टेज, एम्पीरोमेट्रिक करंट वर्सेस वॉल्यूम ऑफ टाइटेंट। ठीक है, जिसके बीच कर्व बना रहे हो वो थोड़ी ना कांस्टेंट होगा, इसमें वोल्टेज कांस्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोड में प्लेटिनम इलेक्ट्रोड यूज करते हैं कंडक्टोमेट्री में, पोटेंशियोमेट्री में हमारे अभी हमने देखे रेफरेंस इंडिकेटर इलेक्ट्रोड रहता है, हमारा पोलरोग्राफी में ड्रॉपिंग मर्करी इलेक्ट्रोड है, एम्पीरोमेट्री में रोटेटिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड हम लोग यूज करते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। ओके, एकदम आपको कर्व पूरे अच्छे से याद रखोगे, आप कर्व को पूरा याद रखना। All methods use volume of titanium except, ये फिर से वही क्वेश्चन आ गया भाई, सभी मेथड्स हमारे वॉल्यूम ऑफ टाइटेंट को यूज करते हैं, एक मेथड जो होती है वॉल्यूम ऑफ टाइटेंट को यूज नहीं करती है, उसका बताइए आप। सभी मेथड्स वॉल्यूम ऑफ टाइटेंट को यूज करते हैं, एक मेथड्स नहीं करती है, उसका आंसर बताइए। All methods have used volume of titrant except, बताइए। पोलरीमेट्री है हमारा, पोलरीमेट्री जो बात करता है ये कंफ्यूज कर देता है, इसमें बेटा वॉल्यूम ऑफ टाइटेंट मत कर लेना, ये अलग ही मेथड है, ये प्लेन पोलराइज्ड का रोटेशन देखती है। ठीक है, पोटेंशियोमेट्री में पोटेंशियल वर्सेस वॉल्यूम ऑफ टाइटेंट होता है, एम्पीरोमेट्री में हमारा आपका करंट वर्सेस वॉल्यूम ऑफ टाइटेंट होता है, पोलेरोग्राफी में हमारा क्या होता है यहाँ पर करंट वर्सेस क्या होता है, करंट वर्सेस वोल्टेज होता है। तो इसका आंसर क्या लगाओगे, वॉल्यूम ऑफ टाइटेंट अगर आपसे पूछ रहे हैं तो भाई ए ऑप्शन भी अपना सही हो सकता है और डी ऑप्शन भी सही हो सकता है, लेकिन ये इलेक्ट्रिकल इसको नहीं, अपन तो डी ऑप्शन रखेंगे क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रोलिटिकल मेथड्स के नाम लिखे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग अपना डी ऑप्शन ही बेस्ट रहेगा। ठीक है, एम्पीरोमेट्री बेटा, एम्पीरोमेट्री कैसे होगा, हमने बताया ये मेट्री लगाया मतलब वॉल्यूम तो रहना ही रहना है। ठीक है, पोलरीमेट्री की जगह अपन लिख ले कंडक्टोमेट्री, कंडक्टोमेट्री, तो हमारा एकदम से ऑप्शन डी ऑप्शन अपना परफेक्टली करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट होगा अगर आप लिखोगे वहां पे क्या। ये आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, यहाँ पर लिखा है ब्लू कलर ऑफ द स्काई, हमको नीला आकाश दिखता है, किस कारण से दिखता है, तो जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, आप लोग इसका आंसर दीजिए। अभी UPSSC का बैच स्टार्ट नहीं हुआ है बेटा, वो होगा जल्दी स्टार्ट, तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। हमको भाई जो हमारा आकाश है वो नीला दिखता है, इसका आंसर क्या है, 24 का स्कैटरिंग ऑफ रेडिएशन होगा, क्या होगा,
स्कैटरिंग ऑफ द रेडिएशन, स्कैटरिंग ऑफ रेडिएशन, ये स्कैटरिंग ऑफ रेडिएशन से हमको दिखता है। और जो इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है उससे हमारा क्या होता है, प्रिज्म काम करता है। या हमारा क्या है, जो इंटरनल रिफ्लेक्शन से हमारा क्या होता है, जो आपका क्या होता है, रेनबो रहता है, वो वर्क करता है। ठीक है, स्कैटरिंग, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन, ये सब आपको फिजिक्स के फिनोमेना है। यहाँ पर दिख रहा है ये स्कैटरिंग है, लाइट आपकी फैल जाती है। रिफ्लेक्शन मतलब वापस चली जाती है, मिरर में जैसे दिखता है अपन को। रिफ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो बेंड हो जाती है। ठीक है, डिफ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, लाइट आती है अलग अलग डायरेक्शन में डिफ्रैक्ट हो जाती है, तो वो आपका डिफ्रैक्शन कहलाता है। ठीक है, ये सभी टर्म्स आपको ध्यान रखना है, हमारे फिजिक्स के टर्म्स होते हैं जो कहीं ना कहीं एनालिसिस में अपन यूज करते रहते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है द फिनोमेना ऑफ द इमिशन ऑफ द लाइट रेडिएशन बाय सब्सटेंस व्हेन एक्साइटेशन अकर्स इज कॉल्ड। बताइए क्या है इसका आंसर। इसमें तीन ऑप्शन सही है, ठीक है, तीन ऑप्शन आपके सही है, ए भी सही है बेटा, बी भी सही है और सी भी सही है, लेकिन ऑल तो है नहीं, तो क्या करोगे, कौन सा आंसर लगाओगे। मेरी रिवीजन स्ट्रेटजी बता दें बेटा, रिवीजन स्ट्रेटजी के लिए तो मैंने कहा है आपसे कि स्टार्टिंग वाले क्लासेस देख लो, जिनको एनालिसिस टफ लगता है बेटा, आपको अभी भी लगता है कि आपने नहीं पढ़ा है अच्छे से, तो मेरा सलाह है कि आप जनरल फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के जो क्लासेस हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर ही डले हुए, लाइव सेशन में ही नीचे जाओगे आपको मिल जाएंगे, तो वहां से आप इनको अटेंड कर लें, तो आपको बहुत अच्छा एनालिसिस कवर हो जाएगा। और मैं गारंटी देता हूं कि एनालिसिस के उसमें से आपके 70% क्वेश्चंस आ जाएंगे, आपके स्टार्टिंग के जो सेशन है हमारे उसमें आपका 70% क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। ठीक है, ये जो मैं क्वेश्चंस करा रहा हूं आपको, ये सब वहां पर है, ये मान के चलो आप, इसमें से जैसे 50 क्वेश्चंस है ना, अबाउट 30-35 क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे, भले आपने डिटेल में नहीं पढ़ा मेथड, तब भी कवर हो जाएंगे। ठीक है, इसमें मैं पूछ रहा हूं, अपने तीनों ऑप्शन सही है कि भाई अगर हम जानते हैं ल्यूमिनेसेंस एक ब्रॉड टर्म होता है, ठीक है, ल्यूमिनस का इन्वर्टर भी आता है भाई, ल्यूमिनस का इन्वर्टर का नाम रखा गया ल्यूमिनस, तो कोई रीजन है, पहले क्या होता है ये एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, फिर एनर्जी को रिलीज करता है, एक्साइटेशन से रिलीज करता है, इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी का एग्जाम्पल होता है, हमको जुगनू के जैसे लाइट बाज में दिखेगा, तो वो ल्यूमिनेसेंस कहलाता है। अगर इंस्टेंटली आ जाता है लाइट रिटर्न तो वो हमारा फ्लोरोसेंस कहलाता है, कुछ देर बाद आता है तो उसको फास्फोरेसेंस बोलते हैं। ठीक है, कुछ देर बाद आएगा तो फास्फोरेसेंस कहलाएगा, तुरंत ही इमिट कर गया है तो वो क्या कहलाएगा, हमारा फ्लोरोसेंस कहलाएगा। ये दोनों टाइप किसके होते हैं, हमारे ल्यूमिनेसेंस के ही टाइप होते हैं। तो अच्छा ऑप्शन हमारे पास बी है, अगर आप बी लगाते हो तो ए भी आ गया और सी भी आ गया हमारा, तो इसका आंसर क्या होगा, ए और सी दोनों चीजें आ जाएंगी। ठीक है, तो इसलिए अपना ऑप्शन जो सही हो जाएगा ल्यूमिनेसेंस में दोनों चीज। हाँ, यहां पर अगर ये चीज लिख ली जाए इसी क्वेश्चन में, अगर लिख दिया है इमिशन ऑफ द लाइट ऑफ रेडिएशन बाय सब्सटेंस आफ्टर सम टाइम, ऐसा लिख दें आफ्टर सम टाइम, कुछ देर बाद, तो फास्फोरेसेंस होगा। इंस्टेंटली लिख दिया जाए तुरंत ही तो फ्लोरोसेंस हो जाएगा। ठीक है, इंस्टेंटली लिखा जाएगा तो फ्लोरोसेंस हो जाएगा, और अगर आपको आफ्टर सम टाइम लिखा जाएगा तो फास्फोरेसेंस हो जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, तो ये अच्छे से याद रखना है। ठीक है, डिलेड जो होता है वो फास्फोरेसेंस होता है, इंस्टेंटली हमारा फ्लोरोसेंस होता है। इतना बड़ा नाम है तो थोड़ा सा समय लगेगा ना, ये छोटा नाम है, जल्दी रिलीज हो जाती है लाइट। ठीक है, तो इसको याद रखना है अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम यहाँ पर, ये तो मैंने पूरा डिस्कस कर ही दिया है। अब इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, देखो अभी भी हमारा जीडीसी प्राइम बैच चल रहा है। ठीक है, ये बेसिकली न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है हमारे जीपेट 2025 के लिए और 2026 को टारगेट रखते हुए, मतलब जो बच्चे अभी बी फॉर्म में है, आप सेकेंड ईयर में हो या थर्ड ईयर में हो, तो ये बहुत अच्छा समय होता है। ठीक है, जब आप ज्वाइन करेंगे तो इसमें क्या होता है, हमारा जो बी फॉर्म है ना वो भी इजीली चलेगा, साथ में हमको समय ज्यादा मिलता है पढ़ने का। मान लो बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, आप लास्ट ईयर ज्वाइन करते हो, आपको प्रेशर बहुत ज्यादा रहता है, आपके प्रोजेक्ट वर्क तमाम चीजें हमारी रहती हैं, तो बेटर ये है कि पहले से ज्वाइन करोगे तो आपको सेमेस्टर में भी ये सब्जेक्ट आते हैं। पहली चीज तो बच्चों को लगता है जीपेट अलग है और बी फॉर्म अलग है, भाई जो बी फॉर्म में पढ़ोगे उसी का समराइज फॉर्म ही तो जीपेट है, उसी का तो कॉम्पिटेटिव एग्जाम होगा। तो जीपेट की आप अगर तैयारी करते हो तो फायदा क्या होगा, आगे जाके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी आपको मदद मिलेगा, आपका बी फॉर्म का सेमेस्टर भी स्मूथली रनिंग होगा, आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सबसे अच्छा ऑप्शन होता है कि आप टाइम पर ज्वाइन करें तो ज्यादा से ज्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। इसके बाद अपन नेक्स्ट की
नेक्स्ट है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग यूज इज अ सोर्स इन द फ्लोरीमेट्री। हमारी फ्लोरीमेट्री में सोर्स क्या होता है, हमारी फ्लोरीमेट्री हम करने वाले हैं ठीक है, उसमें सोर्स क्या होता है फ्लोरीमेट्री में। भाई रेडिएशन तो हमको चाहिए। एक और चीज बच्चों को बहुत डाउट होता है, देखो हमारे लिए जैसे मैं आपसे कहता हूं हमारे पास ये मेथड है भाई, ये हमारी भाई कोई माउंटेन है, यहां से यहां हमको जाना है, यहां पे अभी हम बैठे हुए हैं ग्राउंड स्टेट पे, भाई ग्राउंड स्टेट पर हम बैठे हुए हैं, अभी हमको रेडिएशन मिला, एनर्जी मिली है, हमने उस एनर्जी को एब्जॉर्ब किया, हम हायर एनर्जी स्टेट पर पहुंच गए। कहां पहुंच गए भाई, हायर एनर्जी स्टेट पर। हमने फिर जो एनर्जी ली हमने उसको इमिट कर दिया, उसको क्या किया एनर्जी को इमिट कर दिया, हम फिर से ग्राउंड स्टेट में आ जाते। यही तो हमारी स्पेक्ट्रोस्कोपी है ठीक है। अब जिस दिन आप लोग एब्जॉर्प्शन को मेजर करने लग जाते हो, यहां से ये एब्जॉर्प्शन मेजर करते हो तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है, और जिस दिन आप इमिशन पर ध्यान देने लगे, इमिशन को मेजर करने लगे तो वो इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी है। जैसे हमारा ये लिखा हुआ है फ्लोरीमेट्री, तो फ्लोरीमेट्री में भले वो लाइट इमिट करता है, हम मान रहे हैं भाई वो लाइट इमिट करता है, लेकिन आप ये बताइए वो उस हायर एनर्जी स्टेट में जब वो गया होगा तो उसको कोई ना कोई रेडिएशन सोर्स तो लेके गया होगा। हमने मेजरमेंट इसका किया है लेकिन उसने एब्जॉर्प्शन तो किया होगा ना, कैसे भी वो एक्साइटेड स्टेट में तो गया होगा ना, तभी तो वो ग्राउंड स्टेट में वापस आया और उसने एनर्जी का रिलीज किया है। तो वो सोर्स पूछा है आपसे ठीक है। तो इसका सोर्स जो होता है हमारा टंगस्टन फिलामेंट लैंप, सबसे सिंपल है हमारा टंगस्टन फिलामेंट लैंप होता है, ये हमारा आंसर रहेगा टंगस्टन फिलामेंट लैंप। टंगस्टन फिलामेंट लैंप अपना करेक्ट आंसर होगा ठीक है, टंगस्टन फिलामेंट लैंप अपना एकदम करेक्ट आंसर रहेगा। तो क्या होता है, हम जब पढ़ते थे तो मेरे दिमाग में यही चीज आई, ये एक्साइटेड स्टेट में कैसे गया होगा भाई, तो यहाँ पे रेडिएशन को एब्जॉर्ब करके गया, लेकिन इस चीज को हमने मेजर नहीं किया, हमने ध्यान किस पे दिया इमिशन पे, और यहाँ पे हमने किसको मेजर किया, हमने एब्जॉर्प्शन को मेजर किया है ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। ये देखो हमारा मरकरी आर्क लैंप है, जिनोन आर्क लैंप है, टंगस्टन लैंप है ठीक है, ये हमारे लैंप यूवी के हैं जनरली। अब आता है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप एनहांस द फ्लोरोसेंस, भाई फ्लोरोसेंस अच्छा दिखेगा, फ्लोरोसेंस बढ़ा देगा, वो कौन सा ग्रुप होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग ग्रुप, क्या आंसर होगा। ये तीनों तो एक ही टाइप का काम करते हैं ठीक है, फ्लोरोसेंस को कम करते हैं, ये ऑप्शन जो होता है हमारा फ्लोरोसेंस को बढ़ाता है, ये ऑप्शन जो होता है अपना वो फ्लोरोसेंस को क्या करता है इंक्रीज करता है, ये ऑप्शन जो अपना है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स जो होते हैं वो फ्लोरोसेंस को इंक्रीज करते हैं ठीक है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप फ्लोरोसेंस को इंक्रीज करते हैं। फ्लोरीमेट्री में ये क्वेश्चन बहुत आता है, फैक्टर अफेक्टिंग द फ्लोरोसेंस, ये क्वेश्चन कई बार आता है, फैक्टर अफेक्टिंग द फ्लोरोसेंस का क्वेश्चन कई बार आता है, इसको अच्छे से ध्यान रखना है आपको ठीक है, फैक्टर अफेक्टिंग द फ्लोरोसेंस का क्वेश्चन कई बार आपको आएगा एग्जाम में, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये देखो अच्छे से याद रखना, जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होते हैं एनहांस करते हैं हमारे किसको, फ्लोरोसेंस को ठीक है। जैसे आपका ये ऑक्सीजन है, एनायन है ठीक है, अल्कोहल ग्रुप्स हो गया, NH2 है, NR2OR, अल्काइल ग्रुप्स आर आल्सो वीकली इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, ये सब फ्लोरोसेंस को बढ़ाते हैं। ये हमारे जैसे नाइट्रो ग्रुप है, एलियाइड है हमारा, कीटोन है ठीक है, साइनो ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक है, एस्टर है, ये लोग सब फ्लोरोसेंस को डिक्रीज करते हैं ठीक है। फ्लोरोसेंस को बढ़ाने के लिए इलेक्ट्रॉन का डोनेशन करना पड़ेगा, और इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स क्या करते हैं, फ्लोरोसेंस को डिक्रीज करते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं यहां से। ये इमिट रेडिएशन इन फ्लोरोसेंस विल बी, भाई जो रेडिएशन निकलता है, अब हायर एनर्जी स्टेट पे गया वो, उसने एनर्जी को इमिट किया, तो एनर्जी का वेवलेंथ कैसा होता है वो पूछ रहा है आपसे ठीक है। इमिटेड रेडिएशन इन फ्लोरोसेंस विल बी कैसा होता है हमारा, बताइए उसका इमिटेड रेडिएशन वेवलेंथ लिख लीजिए, यहाँ पर वेवलेंथ लिखिए, इमिटेड रेडिएशन का वेवलेंथ, वेवलेंथ जो होता है वो कैसा होता है भाई फ्लोरोसेंस जो होता है। तो देखो जब ये इमिट करेगा तो एनर्जी क्या होगी इसकी, लो ही होगी एनर्जी, एनर्जी लो होगी तो वेवलेंथ क्या होगा, लॉन्गर होगा, तो इसका आंसर क्या रहेगा, लॉन्गर वेवलेंथ पर ठीक है। एनर्जी कम तो वेवलेंथ क्या हो जाएगा, लॉन्गर हो जाएगा, एनर्जी कम तो वेवलेंथ क्या हो जाएगा भाई अपना, लॉन्गर हो जाएगा, एनर्जी कम वेवलेंथ अपना क्या हो जाएगा, लॉन्गर हो जाएगा, एनर्जी कम होगा तो वेवलेंथ क्या होगा, लॉन्गर हो जाएगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। ओके, तो ये क्वेश्चन आपका इजी था एकदम। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेल्फ क्विंचिंग अकर्स व्हेन, ठीक है सेल्फ क्विंचिंग कब होती है, क्विंचिंग का मतलब होता है
रिलैक्सेशन होता है, एक्साइटेड से ग्राउंड स्टेट में वो आ जाएगा। इसका आंसर आप लोग दीजिए मुझे, सेल्फ क्विंचिंग कब होती है? बताएं आंसर, सेल्फ क्विंचिंग कब होती है? हाई कंसंट्रेशन प्रेजेंट होता है जब लो कंसंट्रेशन होता है, या मीडियम कंसंट्रेशन होता है। सेल्फ क्विंचिंग मतलब अपने आप वो क्या होगा, रिलैक्स हो जाता है। सेल्फ क्विंचिंग कब होती है, इसका आंसर दें, बताइए आंसर दीजिए। सेल्फ क्विंचिंग, क्विंचिंग का मतलब होता है रिटर्न हो जाना, एक्साइटेड से कहां पर, अपने ग्राउंड स्टेट में, वो क्विंचिंग कहलाता है। इसका आंसर देना है आपको, बताइए क्या आंसर होगा। सेल्फ क्विंचिंग अकर्स व्हेन, इसका आंसर तो आप लोगों से ही चाहिए भाई, बताइए जो लोग लाइव हैं अभी। बहुत सारे बच्चे तो क्या होता है, एनालिसिस के नाम से डर जाते हैं, उनको लगता है हमें एनालिसिस को नहीं पढ़ना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे ऐसा नहीं है बेटा, आराम से आप पढ़ सकते हो एनालिसिस को। आप बस तरीका ये है कि आप उसको कभी टफ मान के मत पढ़ो। जिस सब्जेक्ट को हम टफ मान लेते हैं, आप देखना वो हमेशा आपको टफ लगने लगता है। जिस सब्जेक्ट को आप टफ मान लोगे ना एक बार में, जैसे बच्चों को लगता है मेड केम, एनालिसिस, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये बहुत टफ सब्जेक्ट लगते हैं, और जब वो फार्माकोलॉजी पढ़ते हैं, एपीएचई पढ़ते हैं, तो उनको लगता है कि यार ये बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। जबकि दोनों वो भी टफ सब्जेक्ट है, हम उनको इंटरेस्ट से पढ़ रहे हैं। जिस चीज में आपका इंटरेस्ट रहेगा वो आपको अच्छा लगेगा। अब आपने पहले से इंटरेस्ट नहीं रखा है तो वो तो टफ लगने ही लगना है। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, बी होगा, हाई कंसंट्रेशन प्रेजेंट। इसका आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन होगा, हाई कंसंट्रेशन प्रेजेंट रहेगा। ओके, इसके बाद नेक्स्ट आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन कैन बी डिटेक्टेड बाय फ्लोरीमेट्री। हमारे फ्लोरीमेट्री से हम कौन सा विटामिन डिटेक्ट करते हैं, बताइए। बताइए कौन सा विटामिन डिटेक्ट करते हैं फ्लोरीमेट्री से बेटा। फ्लोरीमेट्री से हम लोग विटामिन B2, इसको राइबोफ्लाविन बोलते हैं, विटामिन B2 को डिटेक्ट करते हैं। विटामिन B2 को अपन डिटेक्ट करते हैं राइबोफ्लाविन से। ठीक है, राइबोफ्लाविन को अपन लोग डिटेक्ट करते हैं, विटामिन B2 को, विटामिन B2 को डिटेक्ट करते हैं। सभी डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, सही बात है। पढ़ाई किसको अच्छी लगती है, पढ़ाई किसी को अच्छी नहीं लगती बताओ। ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं होगा जो हम कहेगा कि भाई हमको पढ़ना अच्छा लगता है, हमको घूमना अच्छा नहीं लगता। हमारे ब्रेन के अंदर दो टाइप के घोड़े रहते हैं, एक हमारा अच्छा घोड़ा है और एक हमारा बुरा घोड़ा है। अच्छा घोड़ा जो रहेगा वो बोलेगा पढ़ाई करो, बुरा घोड़ा बोलेगा पढ़ाई करने में क्या रखा है, घूमने चलते हैं, अभी तो पेपर को टाइम है। देखा जब 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 टाइम निकट आ जाता है तो हम लोग पता क्या लग जाता है, अरे यार अब इतने दिन से हमने पढ़ा नहीं था, अब हम क्या कर लेंगे, एक महीने में क्या कर लेंगे, हम 15 दिन में क्या कर लेंगे। अरे वो यही तो सबसे इम्पोर्टेंट समय है, जो लास्ट टाइम अच्छे से पढ़ लेगा, भले आपने एक साल पहले कितने भी अच्छे से याद की हो चीजें, अगर आप उनका रिवीजन नहीं करोगे, और कोई बच्चा लास्ट टाइम में भी उनको याद कर लेता है अच्छे से, तो उस पर क्वेश्चन बन जाएगा। तो भाई रिवीजन भी करना, जो समय है लास्ट वाला वही तो मेन समय है, उसमें जितना ज्यादा जो पढ़ेगा उतना ज्यादा उसको फायदा मिलेगा। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, विटामिन B2 अपना एकदम करेक्ट आंसर है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेमिनार फ्लो बर्नर यूज इन द फ्लेम फोटोमीटर इज आल्सो नॉन एज, क्या बोलते हैं उसको। ये आपसे लेमिनार फ्लो बर्नर होता है हमारा, इन फ्लेम फोटोमेट्री इज आल्सो नॉन एज, उसको बोलते हैं प्रीमिक्स बर्नर बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, प्रीमिक्स। टर्बुलेंट तो होगा ही नहीं, जब लेमिनार लिखा है तो टर्बुलेंट तो हो ही नहीं सकता। लेमिनार मतलब प्रॉपर फ्लो होता है, तो टर्बुलेंट होगा नहीं कभी। टोटल कंजप्शन बर्नर हो गया, नोजल मिक्स बर्नर है, तो इसमें आपका प्रीमिक्स बर्नर कहलाता है। वो क्या कहलाता है, प्रीमिक्स बर्नर। ठीक है, ठीक है, प्रीमिक्स बर्नर कहलाता है वो हमारा, क्या कहलाता है, प्रीमिक्स बर्नर। ओके, प्रीमिक्स बर्नर। ठीक है, तो ये आपको याद है। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ डिटेक्टर यूज इन द फ्लेम इमिशन फोटोमीटर। भाई अभी हमारे फ्लेम इमिशन फोटोमीटर्स के डिटेक्टर्स हैं, एक डिटेक्टर नहीं है कोई, उसका नाम आपको बताना है। अब बताइए, फोटो सब लगा हुआ है, एक हमारा क्रोमेटोग्राम लिखा है, क्रोमेटोग्राम कहाँ, क्रोमेटोग्राफी का है, यहाँ उसका कोई मतलब ही नहीं है। तो सीधा सीधा आंसर क्या होगा हमारा, इसका डी आंसर अपना एकदम करेक्ट हो जाएगा। इसका क्या आंसर होगा, डी आंसर आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मुझे पढ़ना अच्छा लगता है, बेटा जिनको पढ़ना अच्छा लगता है बहुत अच्छी बात है,
आप बहुत अच्छे से पढ़ो, बहुत बढ़िया रिवीजन करो, ठीक है, और बहुत अच्छा आपका रिजल्ट हो, ठीक है। हम यही आपके लिए प्रे करते हैं भाई, जिनको पढ़ना अच्छा लगता है, और जिनको पढ़ना अच्छा नहीं लगता वो पढ़ने की कोशिश करो, और लास्ट टाइम में रिवीजन करो। समय कब निकल जाएगा पता नहीं चलता, समय तो अपनी प्रॉपर स्पीड से चलता है, वो कभी नहीं रुकता। आप देखना इतने जल्दी ही जल्दी निकलता चला जाएगा, आप सोच भी नहीं पाओगे, तो बहुत अच्छे से इसलिए इसको करते चले। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर है हमारा। यहाँ पर फ्लैम इमिशन फोटोमीटर द मेजरमेंट ऑफ फॉलोइंग इज यूज फॉर द क्वांटिटेटिव एनालिसिस। आप क्या करते हो, जो फ्लैम इमिशन फोटोमीटरी होती है हमारी, उसमें जो हमारे फ्लैम की इंटेंसिटी होती है उसको देखते हैं हम लोग, ठीक है। वेलोसिटी फ्रिक्वेंसी का तो कोई काम ही नहीं है यहाँ पर भाई, अपना आग जल रहा है तो आग की क्या देखोगे, कलर से भी क्या फायदा होना है। हम इंटेंसिटी को देखते हैं, क्या देखते हैं, इंटेंसिटी को देखेंगे, ठीक है। किसको देखेंगे भाई, हम इंटेंसिटी को देखते हैं, फ्रिक्वेंसी वगैरह का है ही नहीं ना, वेलोसिटी फ्रिक्वेंसी का। हमारा जो मेजरमेंट करोगे फ्लेम का इंटेंसिटी जो होता है उससे ही हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस कर लेते हैं, ठीक है। आप ये बताइए, जैसे कोई आग जल रहा है, सिंपल सी बात है, अगर उसमें ज्यादा आपका सॉलिड वो रहेगा फ्यूल तो अच्छा आग जलता है, वो डार्क रहता है, उसकी इंटेंसिटी हाई रहती है, तो वही चीज यहाँ पर है। इसी चीज को हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस में यूज कर लेते हैं, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग डिटेक्टर आर यूज इन द फ्लेम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। फ्लेम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में कौन सा डिटेक्टर तुम यूज करते हो। फैराडे कप आपका कहाँ का है भाई, ये मास का है हमारा, ठीक है। ग्लोली सेल भी यहाँ का नहीं है हमारा, ठीक है। एरर डिटेक्टर भी नहीं है हमारा, तो बचा क्या, फोटो और इमिसिव, जो लाइट तुम्हारी आ रही है उसी की तो तुमको इंटेंसिटी मेजर करनी है ना, अभी पढ़ा है, ठीक है, फ्लेम इंटेंसिटी। कलर बेटा, कलर का रोल नहीं होता, देखो कलर नहीं है वहां पे, इंटेंसिटी क्वांटिटेटिव लिखा हुआ है, देखो क्वांटिटेटिव लिखा है, क्वालिटेटिव में कलर हो सकता है, क्वांटिटेटिव लिखा है उसमें, क्वांटिटेटिव, ठीक है। जीपैट की रिवीजन स्ट्रेटजी बता दीजिए, ठीक है। जीपैट की रिवीजन स्ट्रेटजी के लिए भी मैं यही सलाह दूंगा भाई, सब कुछ कंटेंट अवेलेबल है आपके इसी यूट्यूब चैनल पर, आपको हर चीज का सॉल्यूशन मिलेगा। आपको यहाँ पर जाना है, कहाँ जाएंगे आप, वीडियो में नीचे सेक्शंस में जाएंगे तो वहां पे आपको ESIC के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का एक वीडियो मिलेगा मेरा, मैंने डिस्कस किए हैं। नाम ESIC है लेकिन वो हर एग्जाम की स्ट्रेटजी है, जो फार्मेसी के कॉम्पिटेटिव एग्जाम है ना, सभी एग्जाम की स्ट्रेटजी है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आपको क्या क्या अटेंड करना है, कैसे पढ़ना है, क्या करना है, वो सब कुछ बात हुआ है। 50 मिनट का वो पूरा वीडियो है, उसको आप अटेंड करें, उसमें जीपैट के लिए भी इंपॉर्टेंट सेक्शन है पूरे, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। फोटो इमेज से बिल्कुल सही आंसर होगा हमारा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, देखो ये डिटेक्टर्स दिए गए हमारे, फ्लेम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, फोटो इमेसिव सेल होता है, IR में हमारा थर्मोकपल है, बोलोमीटर ग्लोली डिटेक्टर होता है, NMR में फेस सेंसर डिटेक्टर होता है, मास में फैराडे का एराई डिटेक्टर होता है, इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लायर डिटेक्टर होता है, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लेम फोटोमेट्री यूज टू डिटरमाइन, क्या डिटरमाइन करता है भाई फ्लेम फोटोमेट्री। कभी भी एनालिसिस का कोई क्वेश्चन आता है और एप्लीकेशन पूछा जाता है ना, और ऑल ऑप्शन मिलता है, तो आंख बंद करके ऑल ऑप्शन लगाना है आपको। अगर एनालिसिस का एप्लीकेशन पूछा जाता है आपके फाइनल एग्जाम में, थोड़ा तेज बोलिए, मैं इतना तेज बोल रहा हूँ भाई, मेरा तो गला इतना वो तेज बोल रहा हूँ कि गला मेरा बहुत ही ज्यादा, मैं तो फुल तेज बोलता हूँ, मैं स्लो बोलता कहाँ हूँ, तुम्हारा देखो साउंड तो स्लो नहीं है, बताइए आवाज देखता हूँ मैं कितनी आ रही है भाई, बहुत तेज आवाज आ रही है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको सही करिए भाई, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, ऑल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, इसके बाद है ये सोर्स ऑफ लाइट यूज इन द एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी, हेलो कैथोड लैंप। हमने स्टार्टिंग में ही बताया था कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी में अपन लोग किसको यूज करते हैं, हेलो कैथोड लैंप को यूज करते हैं, ठीक है। लेड एंड पेट्रोल वो एटॉमिक एब्जॉर्प्शन से भी हो सकता है, दूसरी मेथड से भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है नहीं होता है, दूसरी मेथड से भी आप उसका एस्टिमेशन कर सकते हो, ठीक है। हॉलो कैथोड लैंप हमारे, ये बिल्कुल अपना आंसर सही रहेगा, क्वेश्चन का जो अपना है 36 का बी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट है, बी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ द कन्वर्टिंग द सैंपल इनटू अ फाइन स्प्रे इन द फ्लेम फोटोमेट्री, बताइए। एक छोटा छोटा सा लिक्विड है हमारा, उसको तुमने ड्रॉपलेट्स बना दिया,
तुम डीओ को याद करो तो डीओ जैसा ही हमारा जो एरोसोल का रहता है ना कॉन्सेप्ट, वही है हमारा भाई, उसी टाइप का आपको ड्रॉपलेट्स में बनाना क्या कहलाता है। हाँ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द सैंपल इनटू अ स्प्रे इन फ्लैम फोटोमेट्री, इसको क्या बोलते हैं बताइए, फ्लैम फोटोमेट्री में इस चीज को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं भाई नेबुलाइजेशन, नेबुलाइजेशन कहलाता है, छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट करना, एल्वुलर ड्रग डिलीवरी के लिए इसको यूज करते हैं अपन, ठीक है, नेबुलाइजेशन होता है। देखो ये प्रोसेस है हमारी, नेबुलाइजेशन है, डिसॉल्वेशन होगा, फिर ड्राई करेंगे, वोलेटाइजेशन होगा, आयोनाइजेशन हो जाता है। द प्रिंसिपल ऑफ द टिंडल इफेक्ट यूज, टिंडल इफेक्ट पर कौन सी मेथड बेस्ट है हमारी, जल्दी से बताइए, टिंडल इफेक्ट। गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के लिए सही रहेगा क्लास, गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के लिए बहुत सही रहेगा क्लास, ठीक है, बिल्कुल ज्वाइन करिए आप। द प्रिंसिपल ऑफ टिंडल इफेक्ट इज यूज्ड इन, ठीक है, टिंडल इफेक्ट का प्रिंसिपल कहाँ रहता है भाई, टर्बिडीमेट्री, नेफ्लोमेट्री, फ्लोरीमेट्री, कलरीमेट्री, बताइए कहाँ रहेगा टिंडल इफेक्ट का प्रिंसिपल। टिंडल इफेक्ट का प्रिंसिपल कहाँ होता है, नेफ्लोमेट्री, ठीक है, अच्छे से याद कर लेना, 38 का क्या होगा सी आंसर है हमारा, नेफ्लोमेट्री, नेफ्लोमेट्री टिंडल इफेक्ट से रिलेटेड होता है हमारा, ठीक है। और रमन इफेक्ट से कौन सा मेथड रिलेटेड होता है बेटा, जल्दी से बताओ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, रमन से कौन सा होता है, रमन से कौन सा मेथड रिलेटेड होता है, रमन से, देखो हमेशा याद रखना बेटा, सरल क्वेश्चन कभी गलत मत करना, अगर आप टफ क्वेश्चन के गलत करके आते हो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर इजी क्वेश्चंस गलत करके आओगे तो दूसरों पे वो बनेगा, और अगर आप टफ गलत करोगे तो वो किसी पे नहीं बन रहा, कोई फर्क नहीं पड़ना आपको, लेकिन अगर इजी क्वेश्चन गलत करोगे ना तो पीछे चले जाओगे दूसरों से, इसलिए इजी क्वेश्चंस को गलत नहीं करना है, बिल्कुल आराम से पढ़िए, क्वेश्चंस पूरा पढ़ा करो, आराम से सॉल्व किया करो, ठीक है। तो बताइए मैं कह रहा था रमन इफेक्ट किसमें होता है, हमारे सीबी रमन साहब का जो इफेक्ट है वो किसमें होता है, पोटेंशियोमेट्रिक टाइडेशन द एंड पॉइंट, हमारा पोटेंशियोमेट्रिक टाइडेशन तुम करने वाले हो, तुम्हारा इंडिकेटर तुमसे रूठ चुका है, अब तुम इंडिकेटर यूज नहीं कर सकते, आपके रिएक्टेंट वही है दोनों, लेकिन इंडिकेटर तुम यूज नहीं करोगे, तो फिर कैसे पता चलेगा तुमको कि एंड पॉइंट आ चुका है, ठीक है, एंड पॉइंट आ चुका है, कैसे पता चलेगा तुम्हारे लिए बताइए। रमन में अपन रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी जो होता है, जिसमें हम क्या करते हैं, हम रोटेशनल को मेजर करते हैं, रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी जो होता है उसके लिए हम यूज करते हैं, ठीक है, इसके जो हमारा क्या होता है उसमें हम करते हैं बेसिकली रमन इफेक्ट का यूज, ठीक है। तो यहां पर देखो आपको क्या करना है, देखो हमारा बीकर वही है, इसमें हमारा ये सॉल्यूशन है, ये एनालाइट है भैया, ठीक है, यहाँ पे ब्यूरेट लगा रखा है अपन लोगों ने, इसमें हमारा टाइट्रेंट भरा हुआ है, इसको ड्रॉप बाय ड्रॉप इसमें तो ऐड कर रहा है, पहले अपन इंडिकेटर ऐड कर देते थे तो कलर चेंज होता था, अब हमने यहाँ पे बाय डाल दिए, इसमें ये दो वायर लगा दिए और डिजिटल वॉच लगी है, यहाँ पे वोल्टेज बता रहा है, तो अपन ड्रॉप ड्रॉप डालते जाएंगे, एक समय ऐसा आएगा कि वोल्टेज एकदम बढ़ जाएगा और फिर गिरने लग जाएगा, तो मतलब वोल्टेज में जब मैक्सिमम चेंज होगा जिस पॉइंट पर, वही हमारा एंड पॉइंट होता है, वही हमारा क्या होता है, एंड पॉइंट होता है, जब वोल्टेज में सबसे ज्यादा चेंज होता है, तो रेट ऑफ द चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन इज मैक्सिमम, रेट ऑफ द चेंज ऑफ करंट इन अ सॉल्यूशन इज मैक्सिमम, पोटेंशियोमेट्री पढ़ रहे हो मतलब आपका पोटेंशियल का चेंज देखना है हमको, या रेट ऑफ द चेंज ऑफ वोल्टेज ऑफ सॉल्यूशन इज मैक्सिमम, सी ऑप्शन आपका एकदम सही है, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट अपना एम्पीरोमेट्री के लिए सही रहेगा, अगर चेंज ऑफ कंडक्टेंस की बात करते हो तो कंडक्टेंस यहाँ वोल्टेज भी लिखा है पोटेंशियल लिखा है, तो पोटेंशियल अपना एकदम करेक्ट हो जाएगा, फिर पोटेंशियल अपना एकदम करेक्ट है, इसमें पोटेंशियल लिखा है, ठीक है, पोटेंशियल वर्सेस वॉल्यूम ऑफ टाइटेंट होता है अपना ये, वैसे ये देखो ये ऑप्शन देना नहीं चाहिए, ये वोल्टेज को काट के यहाँ पे कंडक्टेंस कर लो, ठीक है, कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन इज मैक्सिमम, ये कंडक्टोमेट्री का हो जाएगा, लास्ट का डी ऑप्शन अपना एकदम करेक्ट होगा, ठीक है, क्योंकि देखो वोल्टेज पोटेंशियल में ज्यादा अंतर नहीं है, लगभग लगभग सिमिलर चीजें हैं, अंतर है फिर फिजिक्स के अंदर चले जाओगे तो बहुत बड़ा अंतर है, ठीक है, जो हमारे टर्मिनल के बीच का डिफरेंस होता है उसको वोल्टेज बोलते हैं, ठीक है, तो वो है, लेकिन बाकी ठीक है ये आपको याद रखना है। इसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट है हमारा यहां पर मेथड ऑफ डिटेक्टिंग एंड पॉइंट, ये बता ही चुका हूं मैं आपको, ये देखो हमारा रैपिड रिवीजन है जीपेट के लिए, रैंकर्स बैच हमारा चल रहा है, इसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, इसमें रैपिड रिवीजन क्लासेस आपकी रेगुलरली
रनिंग है, इनको आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। रैपिड रिवीजन क्लासेस हमारी इसमें चल रही है, आपको ध्यान रखना है, ओके। द इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड विच इज यूज टू मेजर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज कॉल्ड, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को मेजर करते हैं जो, उसको कौन सी मेथड बोलोगे? ईएमएफ रहता है हमारा, ईएमएफ है, पोटेंशियल है, वोल्टेज है, उसको कौन सी मेथड बोलते हो बताइए? एम्पीयरोमेट्री ने तो बिल्कुल दूर ही हट गया, इसने तो हमसे साफ बोल दिया कि भाई हम करंट वाले हैं। क्या बोला इसने? हम करंट वाले हैं। हम क्या हैं? करंट वाले हैं। इसने हमसे बोल दिया हम कौन है? करंट वाले हैं। कंडक्टोमेट्री ने हमसे बोल दिया भैया हम कंडक्टेंस वाले हैं। पोलरोग्राफी ने बोला हम करंट को मेजर करते हैं। पोटेंशियोमेट्री ही रह गया बेचारा, उसका ही आंसर हमको देना पड़ेगा। पोटेंशियोमेट्री, पोटेंशियोमेट्री ही हमारा आंसर होगा। इसका आंसर क्या होगा? डी आंसर आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। डी आंसर अपना परफेक्ट है एकदम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम यहाँ पर। द डिफ्यूजन करंट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑफ द टू करंट। अरे ये डिफ्यूजन करंट किस किस का डिफरेंस होता है हमको नहीं है पता, लेकिन हमको ये ग्राफ पता है। डिफ्यूजन करंट रहता है यहाँ पे, रेसिडुअल करंट होता है हमारा, यहाँ से बढ़ता है ये, यहाँ पे लिमिटिंग करंट आ जाता है, ये लिमिटिंग करंट होता है, इसको डिफ्यूजन करंट बोलते हैं। तो किस किस का डिफरेंस होता है? रेसिडुअल करंट और माइग्रेशन करंट। बिल्कुल गलत बात है, ये नहीं हो सकता, माइग्रेशन तो आएगा ही नहीं, रेसिडुअल और लिमिटिंग करंट का डिफरेंस होता है। तो अपना आंसर एकदम सी अपना परफेक्टली सही है, ठीक है। 41 में क्या होगा भाई? सी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट होगा, ठीक है। डिफ्यूजन और काइनेटिक करंट का तो कोई ऑप्शन ही नहीं बचता, वो पूछी तो तुमसे रहा है डिफ्यूजन करंट, डिफ्यूजन ही जोड़ दोगे तो डिफरेंस किसका होगा बताइए आप? डिफरेंस किसका रहेगा? तो सीधा सीधा आंसर क्या होगा हमारा इसका? 41 का, ठीक है, ये ध्यान रखना। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर द प्रिंसिपल ऑफ द पोलरोग्राफी, पोलरोग्राफी का प्रिंसिपल क्या होता है भाई? अपने कैथोड पे जाके इलेक्ट्रो रिडक्शन होना है, ये हमारा पोलरोग्राफी का प्रिंसिपल होता है। इलेक्ट्रो रिडक्शन एंड रिकॉर्डिंग ऑफ द करंट वोल्टेज कर्व। देखो यहाँ पे इलेक्ट्रो ऑक्साइडाइजेबिलिटी लिखा हुआ है, ये नहीं होगा आपका, ये आंसर गलत है, ठीक है। इलेक्ट्रो रिडक्शन होता है अपने किस पर? कैथोड पर। और हम रिकॉर्ड किसको करते हैं? करंट वोल्टेज कर्व को, यही हमारी पोलरोग्राफी हमसे बोलती है। तो बी ऑप्शन, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये यूज ऑफ द पोलराइजेबल इलेक्ट्रोड रिकॉर्डिंग द कंडक्टिविटी का तो उसमें कोई काम ही नहीं है, ठीक है। यूज ऑफ द प्लेटिनम इलेक्ट्रोड एंड रिकॉर्डिंग द प्राइमरी डेरिवेटिव कर्व, ये भी हमारा सही नहीं होगा। तो बचा क्या अपना ऑप्शन? बी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट है। 42 का अपना बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है, ठीक है। 42 का बी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, ये प्रिंसिपल अपन ने देख ही लिया है। सपोर्टिंग इलेक्ट्रोलाइट यूज इन द पोलरोग्राफी, जो माइग्रेशन करंट होता है ना उसको कम करने के लिए हम सपोर्टिंग इलेक्ट्रोलाइट को हाई कंसंट्रेशन में ऐड कर देते हैं। तो सपोर्टिंग इलेक्ट्रोलाइट का आपको नाम बताना है। उस सपोर्टिंग इलेक्ट्रोलाइट का आप नाम बताइए जो हम हाई कंसंट्रेशन में यूज करते हैं। दूसरा नाम क्या होता है? तो भाई हमें मतलब जैसे कई बार क्या होता है, पोस्टमैन जाता है उसको परफेक्ट एड्रेस नहीं मिलता तो पड़ोसी को दे के आ जाता है हमारे लेटर को या डाक को, ठीक है। तो पड़ोसी को ही देना है अपन को, अब यहाँ पे अपन को पड़ोसी के घर में डिलीवरी देना है, ये मान के चलो। एकदम परफेक्ट आंसर नहीं मिलेगा लेकिन पड़ोसी के घर में अपन को बताना है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा भाई? नेबर्स को अपन को डिलीवरी देना है तो क्या दोगे इसका आंसर हमारे 44 का? भाई आपको पड़ोसी के यहाँ अपना जो भी पार्सल आया उसको डिलीवर करना है तो क्या आंसर दोगे? पड़ोसी के यहाँ डिलीवर करना है भाई आपको, क्या करोगे आप? चलो देखते हैं, अपन देखते हैं वो एम्पीयरोमेट्री की कहानी पहले। एम्पीयरोमेट्री कह रहा है भाई हम करंट मेजर करते हैं, हम करंट मेजर करो तुम वर्सेस वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट, ये इसने हमसे कह दिया भाई। हमने कहा ठीक है साहब हम देखते हैं, ये आपका एड्रेस है, यहाँ पे लिखा है कंडक्टोमेट्री, इसमें रहेगा आपका कंडक्टेंस वर्सेस वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट, ये तो दूसरे मोहल्ले का है भाई, ये अलग रहता है, दूसरी सिटी में रहता है। पोटेंशियोमेट्री की बात करो तो इसने भी कह दिया भाई पोटेंशियल वर्सेस वॉल्यूम रहेगा, मैं भी दूसरी सिटी में रहता हूँ, मेरे यहाँ मत दो, तो ये दोनों तो होंगे नहीं। अब पोलरोग्राफी निकल के आया, इसने कहा भाई
करंट वर्सेस वोल्टेज है ये, करंट वर्सेस वोल्टेज है, ठीक है, ये आपका पड़ोसी है उसका, आपका स्पेक्ट्रोपोलरोग्राफी है, ये क्या बात हुई, स्पेक्ट्रोपोलरोग्राफी जो है पोलरोग्राफी का ही टर्म है, ठीक है, तो ये पोलरोग्राफी हमारा आंसर होगा इसका, ठीक है, क्योंकि करंट दोनों को अपन ने अगर पढ़ा हो कभी, एक मेथड होती है वोल्टामेट्री, वोल्टामेट्री हमारी दो टाइप की होती है, एक हमारी पोलरोग्राफी होती है और एक हमारी क्या होती है एम्पीरोमेट्री, ठीक है, ये वोल्टामेट्री के ही सब टाइप होते हैं जिसमें अपन करंट को मेजर करते हैं, तो एम्पीरोमेट्री किसका छोटा भाई है, हमारे पोलरोग्राफी का छोटा भाई है, ठीक है, तो ध्यान रखना है पोलरोग्राफी का छोटा भाई है, उसका पेरेंट जो है उसका नाम क्या है, वोल्टामेट्री है उसका नाम, ठीक है, तो भूलना नहीं है आपको ये क्वेश्चन आ गया भैया, ब्रैग इक्वेशन कौन सा है, ब्रैग इक्वेशन हमारा एन लैम्डा इज इक्वल टू 2d sin थीटा होता है, IR ये रेसिडुअल करंट है अपनी, फैराडे करंट है, कंडेंसर करंट है, ये हमारा इक्वेक इक्वेशन हो गया भैया, ये हमारे नर्ड साहब का इक्वेशन हो गया जो पोटेंशियोमेट्री में यूज होता है, रेडॉक्स टाइटेशन में यूज होता है, तो ये हमारे अलग अलग इक्वेशंस हैं जो कहीं ना कहीं आपके यूज किए जाते हैं, अलग अलग इक्वेशंस हैं जो आपके कहीं कहीं यूज किए जाते हैं, तो इनको अच्छे से याद रखना है, ब्रैग इक्वेशन, इसके अलावा और भी एनालिसिस में इक्वेशन मिलेंगे, जैसे आप यूवी विजिबल की ओर चलोगे ना जब, तो आपको भाई बियर लैम्बर्ट्स ला मिलेगा वहां पे, बियर और लैम्बर्ट्स ला मिल जाएगा आपको, जब आप IR पे जाओगे बेटा तो आपको वहां पे हुक्स ला मिलेगा, क्या मिलेगा, हुक्स ला मिलेगा, जब आप NMR पढ़ोगे तो उसमें लैम्बर्ट इक्वेशन मिलेगा आपको, जब आप क्या पढ़ोगे मास स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ोगे तो मैकलाफर्टी रिएजेंट मिलेगा आपको, जब आप पोलेरोग्राफी पढ़ोगे तो इक्वेक इक्वेशन मिलेगा, जब आप क्या पढ़ोगे कंडक्टोमेट्री पढ़ोगे तो वहां पे हमारा ओम्स ला मिलेगा, जो हमारा बीज इक्वल टू RI होता है ना, वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्या होता है, करंट होता है, जिस दिन आप कोलोमेट्री पढ़ोगे कूलम्ब वाला तो वहां पे आपका फराडे लॉ मिलेगा आपको, ठीक है, सब लॉ मिलना है, क्रोमेटोग्राफी जब आप पढ़ने जाओगे तो वहां पे वॉन डीमीटर इक्वेशन मिल जाएगा आपको, क्रोमेटोग्राफी में क्या मिलेगा, वॉन डीमीटर इक्वेशन मिल जाएगा, तो हर जगह इक्वेशन है, और कई बार इक्वेशन के नाम से आपको सीधा आ जाता है, इक्वेशन का नाम बताइए और आप बताइए कहाँ पे मिलता है, ठीक है, जैसे आपके बहुत सारे इक्वेशन है हमारे, सब इक्वेशन को कहीं ना कहीं आपको याद रखना है अच्छे से, ठीक है, इक्वेशन को प्रॉपर याद रखेंगे, एक्स-रे डिफ्रैक्शन में हमारा ब्रैग इक्वेशन मिल गया, इक्वोक हमारा यहाँ मिल गया, ये हमारा नर्ड्स इक्वेशन है, ये हमारा सिंपल कॉन्सेप्ट है, तो ये इक्वेशन मिलते हैं आपको, जैसे हेक्सोन क्रॉबेल लॉ होता है, ये पाउडर का डिसोल्यूशन करता है, नॉइस वेटनी इक्वेशन क्या होता है आपका डिसोल्यूशन वाला होता है, फिक्स लॉ हमारा डिफ्यूजन को बताता है, ठीक है, आरिनियस इक्वेशन किसको बताता है बेटा, टेम्परेचर के चेंज को बताता है, ठीक है, आरिनियस इक्वेशन आप पढ़ते होंगे वो टेम्परेचर के, हेनरी लॉ जो होता है गैस की जो हमारी सॉल्युबिलिटी होती है गैस में उसको बताता है, तो अलग अलग लॉ है हमारे पास, ठीक है, बहुत सारे लॉ होते हैं, तो उन लॉ को हेंडरसन एसन इक्वेशन हमारा पीएच वाला होता है, ठीक है, तो वो सब लॉ कहीं ना कहीं एक लॉ का क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा और किस चैप्टर से रिलेटेड है ये भी मिलेगा, तो आज आप लोग एक काम कर सकते हो, मतलब अगर आपको लग रहा है तो आज क्या करना, अच्छा एक ब्लैंक पेज उठाना और कहना चलो एक गेम खेलते हैं, जैसे हम मोबाइल में खेलते हैं ना, ऐसे ही आज हम अपने दिमाग के साथ खेलते हैं, आप स्टार्ट कर देना एक एक सब्जेक्ट से कि भाई हमने कौन कौन से इक्वेशंस कहां पढ़े, कि इक्वेशन नहीं बनाना आप, केवल नाम लिख लो, इक्वेशन बन जाए तो बहुत अच्छी बात है, ना बने तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन कम से कम नाम तो लिख लो, आप उनका नाम तो लिख सकते हो इक्वेशंस का कि नहीं लिख पाओगे, नाम तो जरूरी है आपको इक्वेशन लिखना, ठीक है, तो करोगे ये वाला वर्क आज की नहीं कर पाओगे, ये काम जरूर आप कर सकते हो भाई, ठीक है, इससे आपको बेनिफिट मिलेगा, ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक्सरे डिफ्रैक्शन होता है, टेक्निक होती है, कंपाउंड डिफ्रैक्ट द एक्सरे ऑफ द वेवलेंथ रेंज, यहाँ पे रेंज पूछा गया है एक्सरे का, 10^-6 टू 10^-10 सेंटीमीटर, ये आपको याद कर लेना है, 10^-10 टू 10^-6 टू 10^-10 सेंटीमीटर रेंज का रहता है, ठीक है, तो ये आपको क्या करना है, रेंज डायरेक्ट याद करना है आपको, रेंज आपको एकदम से डायरेक्ट याद कर लेना है आपको, रेंज जो है आपको डायरेक्ट याद करिए आप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्पेक्ट्रोस्कोप स्प्लिटिंग फैक्टर इज नोन एज, ये नया चीज है, आपने हो सकता ना पढ़ा हो पहले, तो याद बस कर लेना, जो हमारा ये रहता है आपका स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्प्लिटिंग फैक्टर जो होता है, ये जो होता है हमारा स्प्लिटिंग फैक्टर जो है, इसको कौन सी वैल्यू बोलते हैं अपन, ठीक है,
जी वैल्यू बोलते हैं, जैसे हमारे क्रोमेटोग्राफी में आरएफ वैल्यू मिलती है ना, ऐसे ही आपका ये जी वैल्यू होता है। ठीक है, बस इतना आपको याद रख लेना है। इसको क्या बोलोगे? जी वैल्यू बोलते हैं। ये क्या होता है? हमारा जी वैल्यू होता है, तो इसको आपको याद रख लेना है। ये क्या है? हमारा जी वैल्यू, इसको आप बोलेंगे। ये क्या होता है? अपना जी वैल्यू है, ये अपना जी वैल्यू होता है, इसको आपको नोट करके रख लेना है। ये अपना क्या है? जी वैल्यू है। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है डिटर्मिनेशन ऑफ जी वैल्यू। जी वैल्यू का डिटर्मिनेशन कैसे करेंगे आप? ठीक है, तो ये पूरा इक्वेशन होता है, इसको याद करने की कोई जरूरत नहीं है। अब आता है डिटेक्टर यूज इन द ईएसआर, इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। ईएसआर कह रहा है यार तुम लोग इतना बता दो मेरे को कि मेरे में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कौन सा यूज होता है, पहले तो ये बता दो तुम। ये आपके जितने भी स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड्स हैं हमारे पूरे, उन सब में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यूज होता है, केवल मास स्पेक्ट्रोमेट्री में नहीं होता है, वहां पर हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स का यूज करते हैं पर बाकी सभी में होता है। तो आपसे उसने डिटेक्टर का नाम पूछा है, तो उम्मीद करता है कि आप डिटेक्टर का नाम उसको बताएंगे। ईएसआर का डिटेक्टर और रेडिएशन सोर्स कौन सा होता है हमारे ईएसआर में, ये बताना है। डिटेक्टर तो आप बता ही सकते हैं, सिलिकॉन क्रिस्टल डिटेक्टर रहेगा हमारा, और रेडिएशन सोर्स जो होता है इसमें कौन सा होता है हमारा? माइक्रोवेव होता है। माइक्रोवेव होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन का जो स्पिन होता है, एनएमआर में हमारे न्यूक्लियाई का स्पिन होता है। ठीक है, एनएमआर में क्या होता है? हमारे न्यूक्लियाई का स्पिन होता है। इसको क्या बोलोगे? न्यूक्लियाई स्पिन रेजोनेंस। ठीक है, न्यूक्लियाई का स्पिन होता है एनएमआर में। ठीक है, उसमें अपन रेडियो वेव्स का यूज करते हैं। ठीक है, हाँ, क्लेस्ट्रॉन ऑसिलेटर जो होता है हमारा किसके लिए होता है? माइक्रोवेव रीजन के लिए यूज होता है। यहां पर वो है नहीं लेकिन क्लेस्ट्रॉन बेटा, तो अपन को सिलिकॉन क्रिस्टल डिटेक्टर यहाँ पे लगाना पड़ रहा है। आप क्लेस्ट्रॉन बिल्कुल सही बोल रहे हो। ठीक है, माइक्रोवेव रीजन होता है ईएसआर में, लेकिन क्लेस्ट्रॉन ऑप्शन में नहीं है ना, तो सिलिकॉन क्रिस्टल डिटेक्टर अपना इसका आंसर रहेगा। ठीक है, तो ये इंस्ट्रूमेंट है, देखो क्लेस्ट्रॉन तो है ही हमारा। ठीक है, क्लेस्ट्रॉन तो डिटेक्टर है, ये क्लेस्ट्रॉन जो होता है सोर्स होता है। ठीक है, अपन डिटेक्टर नहीं है, क्लेस्ट्रॉन क्या होता है? अपना सोर्स होता है। ठीक है, तो क्लेस्ट्रॉन है हमारा, इसका डिटेक्टर जो है हमारा ये सिलिकॉन क्रिस्टल डिटेक्टर, क्लेस्ट्रॉन सोर्स होता है। ठीक है, इसके बाद है आपका सैचुरेटेड कैलोमल इलेक्ट्रोड किसका बना होता है? तो इस क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना है। कैलोमल का मतलब क्या होता है? मरकरी का कंपाउंड होता है। इसमें है क्या? नहीं है। इसमें है? नहीं है। इसमें है साहब ये Hg2Cl2 है, ये मर्क्यूरस है हमारा। HgCl2 कहाँ यूज होता है ये बताओ मुझे कोई। HgCl2 किसके लिमिट टेस्ट में यूज होता है ये आपको बताना है। यहाँ पर Hg2Cl2 है। ठीक है, मिक्सचर ऑफ कैलोमल ये भी नहीं रहेगा, ऑप्शन गलत है आपके। इसमें सीधा सीधा हमारा सी। बताइए क्या होगा? HgCl2 किसके लिमिट टेस्ट में यूज होता है? आर्सेनिक, वेरी गुड। आर्सेनिक के लिमिट टेस्ट में यूज होता है, उसमें गुडजिट टेस्ट अपरेटस हमारा यूज होता है। ठीक है, आर्सेनिक के लिमिट टेस्ट में होता है, गुडजिट टेस्ट अपरेटस यूज होता है। ठीक है, ये याद रखना। लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिमिलरिटी बिटवीन द फ्लोरीमेट्री एंड नेफ्लोमेट्री। फ्लोरीमेट्री और नेफ्लोमेट्री में क्या सिमिलरिटीज है बताइए? फ्लोरीमेट्री और नेफ्लोमेट्री में क्या क्या सिमिलरिटीज है? क्या आंसर होगा बताइए? लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप लोग को देना है भाई, दोनों की सिमिलरिटीज पूछ रहे हैं हमारे। इसमें इंटेंसिटी ऑफ द इमरजेंट रेडिएशन मेजर्ड एट द 90 डिग्री, ये दोनों की सिमिलरिटीज है। ठीक है, इमिशन होता है हमारा इंटेंसिटी, इमिशन रेडिएशन की इंटेंसिटी को 90 डिग्री पे अपन क्या करते हैं? मेजर करते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 50 का सी नहीं होगा। ठीक है, दोनों में मेजर करते हैं लेकिन 90 डिग्री पर करते हैं, तो आपका ऑप्शन ए एकदम हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा। ओके, अपना ए ऑप्शन एकदम करेक्ट रहेगा। तो आखिरी क्वेश्चन तो सही करना था आपको। ये देखो, फ्लोरीमेट्री में इंटेंसिटी ऑफ इमरजेंट रेडिएशन 90 डिग्री, उसमें 90 इसमें इंटेंसिटी इमिटेड रेडिएशन की मेजर करते हैं, उसमें स्कैटर्ड की मेजर करते हैं। इमिटेड रेडिएशन लॉन्गर वेवलेंथ का होता है, स्कैटर्ड रेडिएशन सैम्पल वेवलेंथ का होता है। तो ये डिफरेंस है हमारे किसमें? आपके दोनों के डिफरेंस है, इनको अच्छे से याद रखना है आपको। ठीक है, इन डिफरेंसेस को बहुत अच्छे से याद रखोगे तो ये पूरा बेटा अपना सेशन कंप्लीट हो गया है। ठीक है, आप इसको जरूर अटेंड करें। ठीक है,
मेरे लेक्चर्स कहाँ मिलेंगे? मेरे लेक्चर्स बेटा एप्लीकेशन पे मिलेंगे, और जो स्टार्टिंग के लेक्चर्स हैं हमारे जनरल एनालिसिस के, वो सभी लेक्चर्स आपके यूट्यूब चैनल पर ही है हमारे, ठीक है। इसमें आप जाएंगे लाइव सेशन में, जनरल फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, जनरल स्पेक्ट्रोस्कोपी, जनरल क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। देखो दोनों में स्कैटर नहीं होता बेटा, जो फ्लोरीमेट्री होता है उसमें इमिशन को मेजर करते हैं, और नेफ्लोमेट्री में स्कैटरिंग को मेजर करते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना। ओके, सभी के लिए गुड नाइट, अच्छे से पढ़ते रहें प्रॉपर, ठीक है। ये आपका हमारा जो ये प्रॉपर चल रहा है पूरा महामैराथन सीरीज, इसके लिए जिन बच्चों ने अभी तक एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है और वो जुड़े नहीं है, तो आराम से उसको आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए। स्टेप वन में आपको क्या करना है, जो हमारा प्ले स्टोर रहेगा वहां जीडीसी क्लासेस एप्लीकेशन डालना है आपको। स्टेप टू में जो प्लस दिखेगा उस पर क्लिक करना है, ब्लू प्लस पर, तो आपको ये जीडीसी जीपे 24 कोर्स डालोगे, हमारे पास रिक्वेस्ट आएगी, हमारी टीम आपको इस बैच में ऐड कर देगी, ठीक है। तो आपको ये क्वेश्चन सभी एमसीक्यू फॉर्म में अवेलेबल हो जाएंगे। ओके, तो इस तरीके से पूरा आप पढ़ते रहें, ठीक है। और भाई आप लोगों को एनालिसिस जो है ना उससे डरना नहीं है बिल्कुल भी, आराम से पढ़ते रहो, ठीक है, ठीक है। एनालिसिस की बहुत सारी वीडियो है बेटा यूट्यूब पर, आप देखोगे तो ढूंढने से तो सब कुछ मिलता है, आप ढूंढोगे सब कुछ मिलेगा। आप गूगल पे डाल भी बस देना यूट्यूब पर जनरल फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, तो फिर हमारा वीडियो आपके सामने आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा, ठीक है। इतना तो आप कर सकते हो, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ओके, सभी के लिए गुड नाइट, स्टडी करते रहें। ओके।